चलो भाई अभी नेक्स्ट डे हो चुका और एक मिनट अबे उठो उठो कहाँ पे आ गए हम लोग। अरे ये क्या है? सपना देख रहा हूँ मैं यार, सो जाओ फिर से। क्या टाइम पास कर रहा हूँ मैं? पूछ क्यों गया कैरी? अरे साले पागल यार, मर गया यार, उसकी फैमिली को बताना पड़ेगा। कहाँ चल गया बेचारा यार, इतनी जल्दी मर गया पता नहीं था मुझे। अरे राहुल आवाज कैसी आई? अरे कौन सी आवाज? अरे हाँ यार कुछ तो है भाई, वॉइस वॉइस आई। पागल है, वॉइस कहाँ से आएगी तुझे? अरे देख यार मुझे लगता है मैं सपना देख रहा हूँ। मैं अभी सपने के अंदर कूदी मारी वापस से मैं आ गया, ये क्या हो रहा है यार? कोई सपना नहीं है, काम करो, कोई मुझे हिट मारो एक। अरे सच में सपना नहीं है तो रियलिटी है, और अब मत मारना नीचे गिर जाऊंगा। और लगता है हमें ज्यादा लाइफ मिलने नहीं वाली है। और एक कैसी सी जगह है वहाँ पे, डर्ट है एकदम गंदी जगह, यहाँ पर डायमंड है और एमरल्ड है। बाप रे, और ये क्या है भाई? इसको चंक्स बोलते हैं यार। नेदरराइट यार, मुझे लगता है फिर से अपने को काले खट्टे ने बसा दिया इधर। यार मुझे वही लग रहा है। अरे तुम सो भाई, रो मत बैठ के। क्यों होता है ऐसा? अरे रे क्या हो रहा है, उठाओ उठाओ। अरे यार इस बच्चे को कोई बाहर फेंको। यार मैं तो जा रहा हूँ नेदरराइट की तरफ। और एक मिनट, ये क्या है? अब इधर बैरियर ब्लॉक है, उधर जाने का ट्राई करो। नहीं मैं भी नहीं जा पा रहा यार। अरे यार मैं तो जाऊंगा भाई डायमंड वाले में, मैं भी तो जाऊंगा। चलो जल्दी आओ भाई आओ। अरे भाई देखो यहाँ पे खुला है, ये क्या बात है? खुला तो है लेकिन करना क्या है यहाँ पर? तू उसको तो देख भाई, पागल को देखो। कैरी, अरे कैरी भाई इधर आओ। अरे एक सेकंड, ये डैश में रोल पे कहाँ चले गए? अरे अरे इधर इधर। अरे ये कैरी भाई को क्या हो गया? अरे इधर देखो, तुम वहाँ कब पहुँच गए? चलो भाई मैं आ गया, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए? तो हम तो डायमंड की तरफ आएंगे ना, तुमको डर्ट या गोबर की तरफ जाना, जाओ फिर। हमें काम करते इधर ढूंढते यार, कैसे क्या करना है बाहर निकलने का रास्ता। और ये क्या है? चेस्ट खाली है। चेक कर चेक कर भाई, कुछ तो होगा चेस्ट में। और अरे खाली है यार, ये देखो यहाँ पे का कॉन्टेक्ट, वो भी गोल्डन संडास। अरे कुछ गिरा हुआ है। अरे यार ये तो कैरी का कॉन्टेक्ट है यार। ये मेरा कॉन्टेक्ट नहीं है, मेरा कॉन्टेक्ट होता तो ये भी गोल्डन होता, लेकिन ये सब बात सोचने की नहीं, क्योंकि देखो इस साइड देखो बाइक है इधर। बाइक के बैठो बाइक में, चलो निकलते जल्दी से, छलांग मारो। अरे 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 एक मिनट, पागल कैरी कहाँ जा रहा है? अरे रोको उसको। अरे यार ये बाइक कहाँ पे पहुँच गई? ये पहुँच गई गोल्ड के ऊपर, और ये यहाँ पे सिंहासन भी है जो मेरी हो चुकी है। चलो भागो यहाँ से। लेकिन ऐसे कैसे काम चलेगा हमारा, हमें यहाँ से निकलना है। और ये क्या है? ये भी खाली है। और यहाँ पे कुछ गाजर है जो खा नहीं सकते हम लोग, क्योंकि बहुत महंगे गाजर है। एक काम करते हैं यार, ये तो हमने देख लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ मिला नहीं हमें। देखो यार रास्ता कुछ होगा तो। कुछ भी नहीं यार इधर तो। चलो डर्ट वाले में चलते फिर। देखो गाइस अपने को वहाँ तो नहीं मिला, मुझे लगता है यहाँ पर डर्ट भी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा डर्ट में? यहाँ पर इतना गंदा बायो में, यहाँ पर कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे तो। अरे यार तुम लोग भाई देखो यहाँ पे आओ यार, मेरी आंखों के सामने यहाँ पे एक चेस्ट है। अरे चेस्ट में क्या मिल जाएगा? रुक जाओ यार, क्या भाग रहा हूँ मैं। और एक मिनट, वो यहाँ पर ये है तो लेदर कैप मैं ले लेता हूँ, और आर्मर कोई और ले लो। और यहाँ पर स्टोन सॉर्ड है मैं लेता हूँ, और मशरूम ट्यूब भी है ये भी ले लेता हूँ। सबका हिस्सा बढ़ चुका इक्वली। मैंने तो आर्मर लिया है। अरे यार ये कौन सी फालतू सी बूट है ये? कम से कम जूते तो मिले नाइकी के, वो भी। दोस्तों क्या तुमने वहाँ देखा? देखो वहाँ पर भी एक चेस्ट दिख रहा है। वहाँ पर चेस्ट है? अरे यार तुम अंधे हो क्या? वो चेस्ट में तुम पहले ही जा चुके हैं। नहीं मैं वाले चेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, देखो वो वाला चेस्ट जो पेड़ पे लगा हुआ है। कौन सा चेस्ट दिख रहा है तुम्हें? चलो चलते हैं। वो क्या हो गया पता नहीं, क्या हो रहा है आपको? चलो चलो फिर देखते हैं। तो आ चुका हूँ मैं इस तरफ में, और कौन सा चेस्ट है यार? रुक जाओ, पेड़ के ऊपर कहा था कैरी ने, तो किधर चेस्ट है? अरे वो देखो वो रहा छुपा हुआ उधर। अरे हाँ यार उधर चेस्ट है, लेकिन एक मिनट तोड़ता हूँ। और कुछ तोड़ क्यों नहीं पा रहे हम लोग? यहाँ लगता है चढ़ के जाना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ चढ़कर एकदम आराम से, और चढ़ना कितना मुश्किल हो चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ से हमें जंप करना है, और बाइक को भी हमने हटा दिया और पहुंच गया। क्या बात है, तुम लोग भी आ जाओ जल्दी। और जल्दी चेस्ट को खोलते हैं। और ये क्या? गोल्डन एप्पल, एंचेंटेड गोल्डन एप्पल, ये दो मैं ले रहा हूँ, और इसमें भी ले रहा हूँ मैं। तुम लोग बांट लो बाकी, मैंने भी दो ले लिए। चलो आ जाओ यार, जब से अमीर वाले आइलैंड पर घूम रहे हम लोग, लेकिन हमारी कुछ तरक्की हो नहीं रही है, बस यहाँ पर खड़े पागल जैसे। मैं सोच रहा था ये देखो यार, ये वाले चंक कितने ज्यादा बड़े हैं, और ये चंक के अंदर कुछ तो होगा यार, ऐसे नहीं हो सकता है। ये चंक को देखो, डायमंड ही डायमंड है, और वहाँ पर तो नेदरराइट है, कितना बड़ा चंक है वो। अरे यार एक मिनट, अरे ये चीज तो देखो भाई, यहाँ पे कुछ अलग नहीं लग रहा है यार तुम लोग को? क्या अलग दिख रहा है तुझे? पत्तियां यहाँ पर? नहीं तो भाई देखना यहाँ पे, एक दो तीन चार चार पत्तियां क्यों है? मुझे क्या लगता है दोस्तों यहाँ पे कुछ तो हमको क्लू मिलेगा, एक बार इसको अच्छे से और जांच करते हैं इसकी। अरे क्या होगा भाई, होने वाला एमराल्ड है। अरे हैं ये क्या ट्रैप डोर है एमराल्ड का? भाई अलग ही जगह है, चलो नीचे चलते, कुछ खतरा होगा तो देखेंगे यार। और एक सेकंड, ये तो पार्क हो रहा है, जल्दी आ जाओ। क्या हमें पार्क करना चाहिए? और ये कौन सा डायमंड है? ये तो हमारी दुनिया में मिलता ही नहीं है यार। कमेंट करके बताओ डायमंड है कौन सा यार, इसको पार करना चाहिए कि नहीं। यार हम लोग तो मौत का खेल खेल रहे हैं, उससे पहले तुम लोग सब्सक्राइब का बटन दबा दो और जल्दी पार करते हैं। यार भाई लेकिन यहाँ पे तो स्पाइक्स है यार। स्पाइक्स यहाँ पर क्या? आगे भी है तो प्रॉब्लम क्या? मैं तो जा रहा हूँ आगे, और तुम लोग भी आओ। और एक मिनट, ये तो ब्लॉक कर रहा है, मौत होती यार। मुझे लगता है गाइस अपने को इसको पार करना पड़ेगा, तभी अपन ये एमराल्ड वाला आइलैंड से बाहर निकल पाएंगे। वही तो यार निकलना है। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या सोचे भाई? आ जाओ अभी। क्या बात है यार, कैरी भाई क्या सोचे? यहाँ से बाहर निकलने का प्लान क्या बनाया तुमने? ये तो हमें पता ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से आगे निकलना। और वो क्या है, ऐसे जम कैसे मारेंगे? लेकिन मैं तो मार लूंगा, अब तुम लोग देखते बैठो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और ऐसे जम करना है, और जल्दी आ जाओ। तो यार मैं समझ चुका हूँ, मुझे एकदम स्पीड में इसको पार करना, नहीं तो बहुत ज्यादा डैमेज पड़ेगा। ये देखो, और जल्दी कूदते हैं, और इतना स्पीड में नहीं हो पाएगा, चार ब्लॉक का जंप है, ये क्या मजा चालू है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे आता हूँ, और शायद ये वाला लेवल हो जाए आखिरकार। और एक मिनट, डैमेज पहुंच रहा है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। ओके पहुंच गया मैं, तुम लोग भी आओ। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों उधर? डैश तो बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुके हैं राहुल, अपने को जल्दी से ऐसे निकलना पड़ेगा। चलो निकलते हैं। जंप अभी ये वाला जंप है जहाँ पर सीढ़ियां लगी है लास्ट में, और पहुंच गया मैं। क्या बात है, तुम लोग आ जाओ। और आगे कोई मतलब नहीं है यार, ये देखो फाइनली मेरी
भी लास्ट स्टेप हो चुकी है, जल्दी से मैं भी पहुंचता हूँ। चलो भी आ गया। ये तो क्या कर रही है, वापिस चलना है हमें, आ जाओ जल्दी वापिस चलते हैं। अरे अब नहीं होगा यार भाई, लावा इधर, लावा में कैसे जाएंगे। अरे काम करो कैरी भाई, तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, जाओ जल्दी। मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं हमेशा ऐसे टाइम पर आगे कैसे आ जाता हूं यार, हमेशा मैं क्यों दूं कुर्बानी भाई। यार उधर देखो सोने की चिड़िया, ये लो क्योंकि तुम गॉड हो। अरे ये क्या था, फेक लावा। अरे फेक है भाई, ये क्या है भाई, लेकिन कितना स्लो जा रहे हैं हम लोग। एक टेक्निक है, कूद के जा सकते हैं। अरे लेकिन बहुत टाइम पास हुआ है यार यहाँ पे। यार फालतू का टाइम वेस्ट हो गया, जल्दी चलो यार, मेरी मूवी मिस हो जाएगी, जल्दी निकलना है मुझे। यार किस फुद्दू ने लेवल बनाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे यहाँ पर मुझे हेड, यहाँ पर मुझे डैमेज पड़ा। अरे कहीं का लावा रियल है शायद। यार लगता है कहीं का लावा रियल भी है और जान बची है लावा में भी। और ये क्या है, ऊपर जाने का रास्ता तो लावा पाए। यार ये क्या है डोर, और इसके बाद ये देखो कैसे लेवल है अजीब से। यार मुझे लगता है ये डोर के अंदर हमें पासवर्ड डालना है, लेकिन पॉसिबल कैसे, किधर है पासवर्ड। यार मुझे लगता है 6969 डाल के देखते हैं, और नहीं हुआ। अरे तो पासवर्ड कौन सा है, एक सेकंड रुको मैं देख के देखता हूँ। मुझे मालूम है यहाँ पर 1111 होगा 100% शायद। नहीं यार ये भी नहीं इस बार तो। यार राहुल तू भी ट्राई कर ले, एक काम करता हूँ भाई, आखिरी मैं यहाँ पे करता हूँ 2222। राहुल भी तुम तो गाना गाने लगे 22 बता रहा, ये सब क्या कर रहे हो, हमको इसका रियल कोड पता लगाना है। यार एक मिनट कोड छोड़ो, सामने मुझे कुछ तो दिख रहा है, वो एरो बना हुआ है, और तुमको लग रहा है नीचे जाने का रास्ता हो सकता है ये। अगर ये लग रहा है तुम्हें भी, तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा इसका पासवर्ड। जहाँ तक देश भाई बता रहे हैं शायद वहाँ से ही निकलने का रास्ता, लेकिन यार वहाँ से निकलने के लिए हमें कुछ तो कोड चाहिए, और वो कोड मिलना अभी तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये सेकंड लेवल है, वो फर्स्ट लेवल डर्ट है। यार हो सकता है यार डर्ट के लेवल में, चलो भागते हुए चलो हमला करते डर्ट पे, और देख कर आना भाई नीचे ना गिर जाओ, क्योंकि लाइफ ज्यादा बची नहीं है हमारे पास में, जुबान जी का नंगाना चालू है, यार कुछ भी हो सकता है, जल्दी भागते हैं। तो यार इस साइड भी ढूंढते हैं हम लोग, नीचे आने का रास्ता होगा जरूर, क्योंकि यार और कौन सा एंट्रेंस होगा, इतना बड़ा नीचे बना रखे लोगों ने। यार यहाँ पे भी होगा कोई ना कोई फ्लोर। ये तबेले के अंदर तो नहीं कुछ, तबेले के अंदर यार ढूंढो जल्दी, तबेले के अंदर कुछ मिल सकता है, खोलो खोलो। नहीं है यार एक काम करते हैं, पेड़ में चेक करता हूं और तुम लोग जमीन में चेक करो जल्दी। और एक मिनट देखो यहाँ पे आओ, अरे पीछे आओ पीछे, देखो यहाँ पे देखो ये क्यों है, वुड वुड वाला ब्लॉक, खोलो इसको तो है इधर। यार मुझे लगता है ब्लॉक नहीं, ये भी ट्रैप डोर होगा, खोलते और ये देखो ट्रैप डोर निकला, देखो खुद अंदर, मैं जाता हूँ अंदर पहले। और एक मिनट लावा, और ये क्या है स्पाइक से इधर, यार सर पे गिरे तो मर जाएंगे हम लोग। ओ शिट, अरे बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा इनसे यार, भाई कौन मरने जा रहा था उधर। एक काम करते मुझे लगता है उस तरफ जाना हमें, और एक मिनट चेस्ट है उधर, चलो जल्दी जल्दी उधर। एक काम करो और आगे कूदते यार, और आगे कूदना तो है। क्या तुमने चीज नोटिस करी, वो देखो ऊपर भी स्पाइक लगे हुए, सर पे गिर सकते हो स्पाइक, कोई बात नहीं है सर पे गिरने दो स्पाइक को, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। और बहुत इजी पार्क हो रहा है यार, जल्दी आ जाओ। और डैमेज पहुंच रहा है, लेकिन ये डर्ट के स्पाइक है, उतना डैमेज नहीं पहुंच रहा है। अरे गोल देख के दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, मेरा लास्ट बचा हुआ है और पहुंच गया आखिरकार। अरे डैमेज कितना मुझे, मर जाऊं मुझे लगता है भाई। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 2 लाइफ बची हुई है, तो ये रहा चेस्ट, खोल के देखता हूँ पहले मैं। और इसमें बुक एंड क्विल है यार, पढ़ते हैं 1122, तो पढ़ना जल्दी। ओ ये हो सकता है पासवर्ड हो, 1122 हाँ, ये शायद वो जो डोर था ना उसका पासवर्ड है। चलो जल्दी चलते हैं यार, और एक मिनट भाई आराम से, डैमेज ज्यादा पहुंच रहा है अभी। ओ ये क्या हो रहा है, इतना सारा डैमेज, यहाँ से तो रास्ता नहीं कहीं जाने का, इधर देख के खुद हो यार, देखो यहाँ पर रास्ता है, लेकिन जाएंगे कैसे, ऊपर ब्लॉक है तुम्हारे पास। अरे देखो मेरे पास लीव्स है जो अपने वहाँ पर तोड़ी थी, आ जाओ। चलो यार वापस चलता हूँ, फालतू में डैमेज कौन लेगा। तो आ चुके हम लोग वाले गड्ढे में वापस, जहाँ से हम लोग पहले निकले थे, तो चलते जल्दी आ जाओ यार, यहाँ पर ही पासवर्ड डालना है हमें। और पासवर्ड क्या था, 1122, चलो डालते, ये गंदा पासवर्ड कौन रखता है। ओके मैं आ चुका, तुम लोग भी आ जाओ। और ये डोर बंद होता है, और डोर बंद होता ही होगा, ओके मैं तो पहुंच गया, और तुम लोग भी पासवर्ड डाल के आ जाओ। और चलता हूँ मैं, एक मिनट पानी में डैमेज पहुंच रहा है मुझे, चलो कोई बात नहीं, मैं तो गोल्डन एप्पल खा लेता हूँ। फेक वाटर है, फेक वाटर भी नहीं, फेक लावा है तो भाई, क्या ये सब, अरे बाप रे क्या ये। अरे आराम से यार, मुझे क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है भाई तू, कोई नहीं मैं आगे बढ़ता हूँ और एकदम स्पीड में जा रहा हूँ मैं, तुम्हें लूट नहीं है यार, मैं जल्दी पहुंचता हूँ। ये देखो भाई पार्को स्किल देखो मेरा, और ये आखिरकार पहुंच गया मैं। और ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, अरे मैं तो पहुंच गया, तुम लोग पहुंचो जल्दी। डैश तो बहुत ज्यादा प्रो है, नहीं 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 यार बहुत ज्यादा डैमेज पड़ रहा है, ऐसा क्यों यार। गोल्डन एप्पल खाओ और जल्दी आओ, पार्कोर करते हुए इतने नूब कैसे हो गए तुम दोनों, वैसे पहले से थे यार, बस पहुंच चुका हूं मैं, ये देख। अरे एक बार अरे इसको देखो, चलो फाइनली मैं आ चुका हूं, अब कहां जाना है, अब जाना है हमें नीचे की तरफ, आ जाओ जल्दी नीचे कूदते हैं। और ये क्या है, लकी ब्लॉक। और एक मिनट यहाँ पर ये देखो लकी ब्लॉक, और कौन मरा अभी, कोई भी नहीं मरा है, लेकिन अब कौन से बायोम में आ गए, ये डायमंड बायोम पहली बार देख रहा हूं मैं यार, लकी ब्लॉक है और चार चार लकी ब्लॉक है, एक एक सब तोड़ लो। चलो मैं वाला तोड़ता हूं, और स्ट्रेट वाला मेरा है भाई, ओह माय गॉड मुझे ही मिला है, क्या मिल गया, टूल्स। अरे क्या बात है, लेकिन मेरे पास पहले से टूल्स है, मुझे चाहिए। और लास्ट है तो लास्ट, अभी दो बचे हुए, राहुल के और ये वाला, तो राहुल तोड़ जल्दी। अरे अरे भाई कौन सा था ये ब्लॉक, अरे इसका हादसा हो गया, राहुल की तो एक लाइफ गई भाई, खत्म हो चुका है राहुल, यहाँ पे आ गया वापस ये। अरे अरे भाई पहुंच गया भाई यार, लेकिन अरे भाई क्या था वो यार, यहाँ पे बहुत गंदा वाला ब्लास्ट हुआ, बहुत गंदा वाला तो नहीं हुआ पर पूरा डायमंड टूट गया, लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट वाला बचा हुआ है, ये कौन फोड़ेगा, मैं तो नहीं फोड़ रहा हूँ यार, देखा जाएगा भाई, मैं तो फोड़ने वाला। वेल देयर इज योर प्रॉब्लम, ये क्या है, कुछ तो यहाँ पर होने वाला है, मौसम बदलने वाला है। अरे शिट, ऊपर कुछ तो हुआ, क्या करना है, चलना ऊपर, फिर ऊपर कौन जाएगा, बाहर तो कुछ तो हुआ है यार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरे पास बहुत खतरनाक पोशन है, ये देखो मेरे पास लकी पोशन बहुत सारे, तो एक काम करते हैं मैं वाला लेता हूँ। और ये देखो, ओ अरे बनी बनी, इनको मारो मारो पहले। यार एक काम करो, तुम दोनों गरीबों को दो दो दे रहे हो, ये लो, ये राहुल के दो और एक कैरी के दो, तो एक काम करते सब लोग फोड़ते जल्दी जल्दी, देखते क्या मिलता है, दूर हो जाओ पहले, कैरी फोड़ो जल्दी, और ओ शिट मकड़ी आके मारो इसको। अरे अरे यार ये
डर मेरे पीछे पड़ चुकी है। देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। और अरे मारो मारो, अरे बेचारा बच्चा है, छोड़ो इसको। अरे इसे मुझे नोशा दे दिया। अरे ब्लाइंड ने नोशा दे दिया, चलो कोई बात नहीं, नशे मेरा। और अरे कैरी क्या हुआ? अरे मर चुका है क्या? चलो कोई बात नहीं, अब मैं फेंकता हूँ कैरी के ऊपर। और अरे मारो भाई, यहाँ पे तो मॉब्स क्यों है भाई यार? बस आखिरी के 3-8 बाकी है। अरे नहीं मैं मारता हूँ यार, ट्राई करता मारने की, फेंकूंगा। भाग ऐसे, ये तो गया और ये वाला बचा हुआ है। और एक मिनट इसको मारते जल्दी। ओके ये भी मर गया। तो पता नहीं यार, खतरनाक लोग है मेरे पीछे क्यों है? मार उनको, लगता तुमसे प्यार करते हैं। लास्ट मकड़ी बची और ये भी मर गई, क्या बात है। तो यार कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा दूर में लकी ब्लॉक फेंकता हूँ मैं और यहाँ पर फेंकेंगे और देखते क्या होता है। और अभी ये हो रहा है, अरे यहाँ पे तो ये क्यों हो चुका है? धुआं धुआं, ये तो होले होले को हो रहा है इधर। होले होले को हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इतने सारे पोश और इतने सारे इफेक्ट मिल गए मुझे, क्या बात है। एक और फेंकता हूँ, देखते क्या मिलता है। और क्या बोला, टूल्स लूटो। अरे कैरी वैन सब लूट लिए, लेकिन मेरे पास एक और पोशन अभी बाकी है। अरे यार भाई कुछ अच्छा तो लाओ, देखो मेरे पोशन में क्या निकलता है। 1 2 3 ये क्या पोशन था? बहुत बुरा हुआ यार कैरी के साथ में। चलो मैं फेंकता हूँ राहुल के ऊपर। और अरे यार ये प्रॉब्लम है इसकी। अरे घोस्ट राइडर बन गए तुम तो यार, ये क्या है? अरे बचाओ मुझे, लगता है गोल्डन ब्लॉक खाना पड़ेगा यार। लास्ट बचा हुआ तुम दोनों के ऊपर फेंकता हूँ मैं और देखते क्या मिलता है। अरे यार ये गरीब फिर आ गया, मारो इनको। ये साले गरीब यहाँ पर फिर से भीख मांगने आ गए, भागो भागो। यार इतना बड़ा गड्ढा हो गया, लेकिन इसका करेंगे क्या हम लोग? और एक सेकंड भाई, बाहर कैसे जाएंगे? और ये देखो, अरे ये क्या है? अरे जल्दी आ जाओ, लेवल है कोई बोलते इसको। मेरे पास जंप बूस्ट है। अरे तो मुझे मालूम है। अरे अपन फिर से वापस यहीं आ गए, यही आ गए। मुझे ऐसा क्यों लगता है ना, डर्ट वाला लेवल देखो कितना ज्यादा बड़ा है। हम लोग कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं यार, ये देखो कितना नीचे तक है। और ये टाइम और नेदरराइट में तो अभी तक जा नहीं पा रहे। काम करते हैं हम लोग, उस तरफ चलते हैं। और बाइक लेकर जा रहे हो, मुझे बिठा लो। अरे यार मैं कहाँ बैठूंगा भाई, यार हम लोग गरीबों को बिठाते हैं। अरे बिल्कुल यार, रोको गाड़ी और निकलते हैं यहाँ पर। और एक काम करते हैं ना, उस तरफ नीचे चलते हैं और वो रास्ता इधर था। आज जल्दी से नीचे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अपन वापस यहाँ पर क्यों आ गए। यहाँ से जाने का कोई रास्ता है थोड़ी ना, लेकिन और कहीं जा भी नहीं सकते हम लोग। यही एक रास्ता बचा हुआ है क्योंकि डायमंड वाला खत्म हो चुका है, अब यही पर जाना पड़ेगा। लेकिन कहाँ जाएंगे यार? एक काम करते, पार्कोर करके उधर चलता हूँ मैं। खोदते हैं भाई, ये देखो यहाँ पर है लोगों ने। अरे ये खोदा भाई, ये कौन सा रास्ता है यार? यहाँ पर टॉयलेट बना हुआ है। और एक सेकंड, हम लोग ऐसे जा सकते हैं ट्रैप डोर से नीचे? ओके इधर आ जाओ जल्दी, ये तो काफी ज्यादा मुझे हॉरर जगह दिख रही है। और यहाँ पर बोन है और फेदर है और टॉयलेट है, ये क्या बात हुई? टॉयलेट जेल में? अरे क्या सड़ेला जेल है यार। और देखो यहाँ पर खोपड़ी पड़ी हुई है, वो भी किसी ने खोपड़ी फोड़ने की सीधा एकदम चाकू घुसा दिया है। यार इसका काला खून निकल रहा है, ये इंसान नहीं हो सकता यार, भागो, ये क्या ये सब? और एक मिनट, ये देखो तुमको दिख रहा है इसके नीचे बैरल है, लेकिन हम तोड़ नहीं सकते उसको क्योंकि आयरन का है। लेकिन आयरन का निकलता कैसे? क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास? देखो गाइस, ये अपना आयरन डोर है और इसको खोलने के लिए अपने को कुछ तो तरकीब लगाना पड़ेगी। जहाँ तक मुझे लगता है इसको खोलने के लिए अपने को लगाना पड़ेगी एक अगरबत्ती। अगरबत्ती भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे ये वाली की बात कर रहा हूँ मैं, इसको। अच्छा ऐसा बोलो ना यार, रुक जाओ तोड़ता हूँ मैं। अरे क्या हुआ कैरी के साथ? अरे छोड़ो इसको, मेरा सर फूट गया यार। मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पर और अरे खुल गया। नेदरराइट जेट पैक, क्या बात है भाई, क्या है नेदरराइट जेट पैक? लेकिन इसको कहाँ लगाते? पीछे भाई, पीछे लगाते होंगे ऐसे करके। ये देखो ऐसे क्लिक करना है या लगेगा इसके जगह पर। और ये देखो लग चुका है, क्या बात है यार, मैं समझ चुका हूँ। नेदरराइट जेट पैक हमें मिला नेदरराइट की वर्ल्ड में जाने के लिए। जल्दी आ जाओ, मैं तो जा रहा हूँ यार वो वर्ल्ड में जाने के लिए। और यहाँ से भी उड़ के हम लोग जा सकते हैं। चलो गाइस करते हैं अपना हर मैदान फतेह, आ जाओ। चलो आराम से जाता हूँ। अरे कैरी भाई तुम तो उड़ के, मैं भी जा रहा हूँ उड़कर। और ये देखो कितना खतरनाक हो चुका है। चलो यहाँ से तो हम लोग इजीली जा सकते हैं यार, इसकी मदद से हम लोग नेदरराइट में जा सकते हैं। चलो उड़ते हैं, बहुत अच्छा है ये। स्पीड में उड़ रहा हूँ यार, इसकी स्पीड, हाँ यार बहुत अच्छी स्पीड इसकी भाई, उड़ता हूँ। और एक सेकंड, जेट पैक यहाँ पे आते ही खत्म हो गया, ये क्या बात हुई? तो यार, और देखो भाई यहाँ पे पूरे लाल लाल पेड़ है। ये नेदर है यार, नेदरराइट भी है ना इधर, इसलिए यार ये पेड़ से मैं ऊपर जा सकते हो। अगर तुमको नहीं पता होगा तो एक काम करते, ऊपर चलता हूँ। और कितना बड़ा बायोम है ये, बाकी बायोम से बहुत ज्यादा बड़ा है ये। तो एक काम करते, अभी तो नीचे आता हूँ मैं। ऊपर की दुनिया कैसी दिख रही थी अभी ऊपर? भाई जाकर देखो पहले। ओके मैं जाके देख रहा हूँ। कोई देखो अपन यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पर तो नहीं कोई रास्ते ऐसे। यार मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जाने की, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक काम करते रेंगते हुए चलते, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे यार। कुछ तो देखना पड़ेगा, कुछ तो होगा यार यहाँ पर निकलने के लिए। ये बायोम मुझे काफी सस्पिशियस दिख रहा भाई। सस्पिशियस तो है, लेकिन अच्छा भी तो कितना है देखो ना यार, इतना अच्छा बायोम और डर्ट का बायोम इतना गंदा गोबर जैसा। और ये देखो, जो चीज दूर से दिखने में बहुत अच्छी दिखती ना, वो इतनी पास आके खतरनाक हो जाती है। भाई दूर से तुम सफेद कपड़े वाले दिखते हो, पास आके तुम्हारे काले कारनामे मालूम चलते हैं। और एक मिनट यार भाई, देखो वहाँ पे कोई तो है। अरे वो कौन है? एक मिनट, अरे पेड़ के पीछे देखो। अरे वो कोई है, अरे जल्दी चले जाओ। एक मिनट, तो पांडू है कहीं तो, क्या वो विलेजर गिर के मर गया? वो गिरा नहीं है, वो यहाँ पर कुछ खोल के नीचे गया है यहाँ पर। अरे यार एक मिनट, अरे भाई वो कहीं भूत भूत तो नहीं है यार? हो सकता है बहुत विलेजर मारे। और एक मिनट, मुझे आवाज है किसी विलेजर की यार इसके नीचे। एक मिनट ये देखो, मैं नॉटी विलेजर है, चलो नीचे आ जाओ। और थोड़ा डैमेज पहुंचेगा लेकिन आ जाओ जल्दी से। ये देखो इतने सारे विलेजर और उनके अंदर बो एंड एरो क्यों है यार? ये अपने दोस्तों निकले। और अरे कैरी यार, मैं नहीं कर रहा भाई, आगे मैं नहीं जा रहा भाई यार। लेकिन पार्कोर तो है नहीं इधर, अब क्या ही सब यार, स्ट्राइडर रखे है, लावा है। एक मिनट मैं अब समझा, अभी इधर आ जाओ। अरे कैरी ने सर कर लिया, यार कैरी भाई तुम कुर्बानी क्यों दे रहे हो अपनी, बकरे हो क्या भाई? मैं सोच रहा था कि झूल झूल के उधर पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, पकड़ नहीं पाया इसको मैं। अरे यार भाई तू मोगली है क्या? मोगली चड्डी पहन के फूल खिला वाला? नहीं भाई वो नहीं यार भाई, वो सब छोड़ो। लेकिन वहाँ
पर पहुंचना इम्पॉसिबल है। इसे पकड़ के अपन वहाँ पर नहीं पहुंच सकते। अपने को लगता है इन पे जाना पड़ेगा, ये घोड़ों पर। अरे घोड़ों पर, ये दलिदर घोड़े। यार ये क्या है चेस्ट पे? ओ सैडल और वॉ फंगस है यहाँ पर। मैं समझ गया, इन पे जाया जा सकता है, पॉसिबल है। तो पहले मैं ये लगाता हूँ इनके ऊपर, और लग गया एक पागल के ऊपर, और इसके ऊपर बैठता हूँ। और ये देखो यार, भागो, हटो हटो, मेरा घोड़ा आ चुका है। वो भी यार इतना सस्ता घोड़ा। चलो कोई बात नहीं, स्पीड में जाता हूँ मैं। और ये विलेजर लोग, इनको हाय बोल के आता हूँ मैं। रुको, और अभी तो एरो मार रहे हैं भाई। विलेजर एरो मार रहे हैं पागल को। विलेजर लगता है उनकी इलाके में घुस चुके हैं। यार विलेजर कब से मारने लग गए, ये क्या हो रहा है? रुक जाओ, इस वाले विलेजर की तरफ से चलता हूँ मैं। और अरे ये देखो एरो मार रहा है ये बंदा। अरे मेरा बचेगा नहीं है यार। ये विलेजर कितना गंदा मार रहे, दो हेल्थ बची बस मेरे बंदे को। और ओ आखिरकार पहुंच गया मैं। और ये क्या है, ड्रॉप की कोड। ये पागल की कोड कहां से लाऊं मैं? और विलेजर मार देंगे मुझे। रुको मार तो इनको यार, इनको मारना ही पड़ेगा। रुक जाओ, कोई को कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। एक काम करते, इस वाले को मार देते हैं। यार मैं की कार्ड ढूंढता हूं, तुम मारो। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, स्ट्राइडर को मार दिया। अब एक ही स्ट्राइडर बचा हमारे पास, जल्दी जाओ। अरे कहां पे भाई, देख लीजिए। रुक जाओ, मेरा दिमाग खराब हो गया। एंचेंटेड गोल्डन एप्पल खा रहा हूं मैं। और अब ये विलेजर का बच्चा गया, ये काम से मरेगा। ये देखो इसके ऊपर बैठ चुका हूं मैं, और ये विलेजर तो मरेगा भाई। अरे मार मार उसको डैश। यार ये तो दो निकले। अरे हैं, ब्लास्ट कैसे हुआ यार? ये तो क्रीपर निकले। यार क्या था तुम्हारे पास ऐसा? अरे मेरे को ये मिला है, ये देखो लकी बो। ये बहुत ही खतरनाक बो है, जिसको ही मारोगे ना वहाँ पर बम ब्लास्ट हो जाता है। देखो एक बार ट्राई करके देखो। यार उनको मारो, जाओ उनको, वो दोनों को मारो। तो एक काम करता हूं यार, अब समय आ चुका है, विलेजर को मार रहे हैं कुत्ती की मौत। और इसको मारता हूं अभी मैं, देखते क्या होता है। और अरे ये तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे ये फालतू चीज़ थी, क्या दे रही तुमने मुझे? अरे उससे मारो, दो तीन मार के देखो, मरेंगे मरेंगे। अरे फुसी था भाई वो। रुक जाओ यार, मैं जमीन पे आना पड़ेगा, बहुत मार रहे ये लोग मुझे। तो यार ये विलेजर ज्यादा ही बातें कर रहे हैं, इनको बताता हूँ मैं। और इनको मारता हूँ भाई, लकी बॉय हमारे पास, कुछ भी हो सकता है। ये देखो ये क्या हो रहा है, अनलिमिटेड एकदम। यार कोने के तीन विलेजर बैठे, जल्दी आ जाओ, इनको मारते एकदम आराम से। रुक जाओ, एम लेता हूँ मैं। और ये एम इतना गंदा क्यों जा रहा है? और राहुल तू क्या कर रहा है, अटैक करने चले गया? ओ अरे अब इनको मारने का है भाई, अभी टाइम वो नहीं। अरे राहुल को निपटा दिया अपने तो। अरे देखो मैं इधर, तू है उधर, लेकिन हमारे कोई काम का नहीं है उधर। रुक जाओ, इसको मारता हूं, ये बहुत ज्यादा बातें कर रहा है। और हैं इनके साथ बहुत बुरा हुआ। रुक जाओ, आगे और है। एक काम करता हूं, इसको लेफ्ट हैंड में रखता हूं, और अब चलते हैं। इन दोनों को मारता हूं मैं। मैंने मार दिया उसको। यार मैं भी कोशिश कर रहा हूं मारने की, ये देखो क्या कर लेंगे, मेरा कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये देखो, और भाई ये कौन सी मौत आ रही है? शायद आखिरी के चार पांच वक्त बाकी बस अभी। यार यार एक सेकंड, यहाँ पर वो वाला क्रीपर आया था। यार यहाँ पर चार्ज क्रीपर स्पॉन हुआ था, ये क्या बात हुई भाई? अच्छा हुआ कि वो अभी यहाँ पे ब्लास्ट नहीं हुआ। ब्लास्ट हुआ तो था, लेकिन मैं दूर भाग गया था। डैश भाई बचाओ मुझे, ये लोग मार रहे हैं। अरे मैं कैसे बचाऊं, मैं खुद मारने जा रहा हूं उनको। और डैश तू यार कहां पे? ये यहां पर हूं मैं। और डैश एक मिनट, यहां पे पहले क्या है वहां पर, ऐसा क्या देख लिया? चेस्ट है भाई एक। अरे भूत देख लेगी उधर? भूत नहीं है भाई, यहां पे है एक चेस्ट। और चेस्ट में क्या है ऐसा? 6969। अरे पासपोर्ट है, चलो जल्दी से, पासपोर्ट मिल चुका है। और एक मिनट, डैमेज पहुंच रहा है। एक और एप्पल है, खाना चाहिए। छोड़ो एप्पल कौन वेस्ट करेगा अभी, खुद तो चलते पहले। और मुझे लगता है यहाँ पर पासपोर्ट हमें फेंकना है। और जैसे पासपोर्ट फेंकेंगे, एक सेकंड, वो पासपोर्ट से कुछ हुआ तो है नहीं यार, कुछ भी नहीं खुला यार, फालतू में तो टाइम वेस्ट हुआ। अरे ओ ये क्या हुआ, बोलने पर हो गया। आ जाओ, चलो आ जाओ, खुद जाओ। यार मुझे लगता है पार्कोर है, और ये दोनों की मदद से होगा। मतलब तुम दोनों उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। और जल्दी खुद हो यार, जल्दी पार करते हैं। यार मैं तो नहीं भाई, पार्कर कर करके परेशान हो चुका हूँ मैं यार। पार्कर तो करना भी नहीं है, पार्कोर करना है भाई, जल्दी आओ। चलो फिर करते फटाफट से। और ये प्रेशर प्लेट में पैर रखना, तुम्हें तभी आगे पहुंच पाऊंगा मैं। यहाँ पर आ चुका हूँ मैं, पूरी प्रेशर प्लेट को दबाने के बाद डैश भाई तुम भी आगे आ पाओगे। चलो भाई आ गया मैं, ये लो दबा दिया मैंने। क्या बात है, क्या बात है। रुक जाओ यार, हटना नहीं तो मर जाऊंगा मैं, और मुझे आगे आना पड़ेगा। तो चलो कैरी भाई इधर पहुंच गया, मैं इधर पहुंचता हूँ। चलो ठीक है, फिर मैं यहाँ से कूदता हूँ, यहाँ पर जम लगाता हूँ, जल्दी से आ जाओ। अरे क्या बात है यार, कैरी भाई तुम प्रो कैसे बन गए, कोई बैरूपी है तुम्हारे स्किन में? चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर खोदता हूँ। डैश भाई अभी को जाना कब आगे? भाई कब जाना है, तुम जाओ यार आगे, मुझे खतरा लग रहा है यार। अरे काय का खतरा यार, ये देखो बस ऐसा खड़ा होना है और यहाँ से मारना है। अरे अरे ये देखो, मैंने कहा था यार भाई इतना नूब है यार ये। अरे नूब की बात नहीं है, वहाँ पर वो ब्लॉक है ही नहीं, फेक ब्लॉक है यार। ये कोने वाले में तो तुम खुद नहीं थे, कोने में खोदता हूँ मैं, और पहुंच गया, क्या बात है। लेकिन इस कोने में जाना था मुझे, और अरे राहुल पहुंच गया। तो यार मैं इस कोने में आ चुका हूँ, मुझे उधर आना पड़ेगा पहले। और क्या बात है, खोद गया मैं, और इस तरफ खोदो जल्दी यार, मिरर ब्लॉक लग रहा है मुझे। तो यार जल्दी जंप करता हूँ मैं, आगे बढ़ते यार, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो तुम लोग, जल्दी खुदो। यार मैं आखिरी जंप लेने जा रहा हूँ, जल्दी पहुंचता हूँ, और पहुंच गया मैं, क्या बात है। और बस ये आखिरी वाला जंप भाई, पहुंच चुका हूँ मैं। वेरी गुड, अब कैरी भाई की बारी। अरे क्या हुआ, क्या लगता है मैं पहुंच पाऊंगा सर? भाई खुद जा पहले, मालूम चलेगा फिर। यार नूब डरपोक को देखो यार, क्या कर रहा है वो, फक यार। चल रहे हम आगे बढ़ते हैं, चलो चलो भाई। 360 ओ एक बार भी कर दिया मैंने यार, तुम लोग ऐसा नूब ही समझते हो, फिर जाके दिखाऊं? अरे भाई आराम से, माफ कर दो भाई, माफ कर दो यार। ये रेड बटन कहां से आ गया, अभी तक तो नहीं था। अरे तो प्रेस करते ना इसको। अरे मत दबाना, रुको, रेड बटन दबाना होता है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता भाई, रुको ये करो प्रेस। अरे और एक मिनट, ये कहां पर आ गए? ये कोई मौत का खेल दिख रहा है मुझे। वो राहुल वो रहा, और वो कैरी, और हमारे आर्मर वगैरह कहां गए? सब कुछ गायब हो चुका है, इन्वेंटरी पूरी क्लियर। मैं समझ चुका हूं क्या हुआ है, हम तीनों को लड़ना चाहते हैं। और एक सेकंड, स्क्रीन पर कुछ लिख के आ रहा है, लास्ट
टू लिव विंस, मौत का नंगा नाच, ये क्या हो रहा है? मौत का नंगा नाच क्यों भाई, मैं तो ऐसे नाच लेता हूं। यहाँ पे दो लोग की मौत हो गई अभी और जो बचेगा वो निकल पाएगा इस जगह से पूरे पैसों के साथ। लेकिन स्टार्ट कब होगा यार, खेलने की इच्छा नहीं हो रही है क्योंकि तुम दोनों हारोगे मुझसे। लेकिन कोई बात नहीं, खेलना तो पड़ेगा यार, ये तो मौत का खेल है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं यार, स्टार्ट करो जल्दी से क्योंकि मुझे मालूम है मैं ही जीतने वाला हूं। यार एक मिनट, स्क्रीन पर लिख के आ चुका है 3-2-1 गो। वो आ जाओ जल्दी से हारने वाले भाई। ओ ये देखो पीछे मेरे भाई, ये क्या हो रहा है यार? ये दोनों को लड़ने देते, मैं आराम से इधर बैठता हूँ यार। राहुल भाई को मारूंगा मैं सबसे पहले, राहुल भाई जाएंगे। प्रॉब्लम भी तो है यहाँ पर, भाग रहे हो कहीं दूर? यार मैं भी इस कोने में रहता हूँ यार, इधर कोने में अपनी लड़ाई लड़ता हूँ अकेले यार। इनको मारना भी नहीं चाहता हूँ लेकिन मरेंगे ये लोग अब। कोई बात नहीं, काम कर तो कैरी को डाल देता हूँ। अरे यार कैरी बच गया यार मेरे हाथों से, रुक जाओ। इधर के पूरे ब्लॉक खत्म करने वाला हूँ मैं, अपने साइड के ब्लॉक खत्म नहीं करूंगा मैं। यार एक मिनट, भागते भागते कहाँ पर टीपी हो गया मैं? यार तुम दोनों जिंदा हो अभी भी? यार एक मिनट, स्टेज 2 लिख कर आ रहा है सुपर जंप, ये देखो कूद पा रहे। 3-2-1 भागो जल्दी, चलो स्टार्ट। भाई क्या उतर रहा हूँ मैं यार, जंप करना है ये देखो। इसका मतलब डेज में पहला राउंड जीत चुके हैं। राहुल भाई मेरे पास बताओ यार, तुम दोनों में से किसी एक को तो गिरा कर रहूंगा मैं। और कौन गिरने वाला है? अरे भाई मारते मारते बचाओ मैं, क्या बच रहा हूँ मैं यार। एक मिनट, फिर से हम लोग टीपी हो गए और अभी तो सिर्फ आधे ब्लॉक बचे हैं यार। ये देखो और ये इतना अजीब क्यों दिख रहा है सब कुछ? लेवल 3 सुपर स्पीड, भाई सुपर स्पीड मिला है ये देखो। इसका मतलब कि हमारे पास स्पीड आ चुकी है। और देखो फ्लैश बन चुका है, स्टार्ट हो चुका है। चलो सच में स्टार्ट हो गया भाई, कितना डिफिकल्ट है सब कुछ, जंप भी है स्पीड भी है। ओ भाई बहुत डिफिकल्ट है। अरे नहीं, फ्लैश बन गया था मैं, फ्लैश तो मैं अभी बना हुआ हूँ। और एक मिनट, शायद कोई एक मर चुका है सच में। राहुल मर चुका है, बस मैं बचाऊ। अब तो भाई डैश भाई तुम गए, तुम देखो बस। भाई मुझे नहीं हरा सकते यार, तुम जैसे मुझे हराने लग गए तो हो गया फिर यार, कितना खतरनाक बच रहा हूँ। अरे कैरी भाई मर गए यार, मैं आखिरी जिंदा हूँ शायद, मुझे यार मैं तो आखिरी मरा हूँ शायद, मैं जीत चुका हूँ। मैं फंस चुका हूँ एक राफ्ट में, वो भी ओशन के बीच में। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पूरा पानी ऐसे वाटर है, अगर मैं पानी को टच भी करूंगा तो 3 सेकंड में मर जाऊंगा। और चैलेंज को और भी डिफिकल्ट करने के लिए ये है पूरा ओशन ओनली वर्ल्ड, वो भी हार्डकोर मोड में। एक बार मैं मर गया तो पूरा गेम खत्म। लेकिन वीडियो मेरे कुछ चैलेंजेस होंगे, जैसे कि अलग अलग टाइप के बोट्स को अनलॉक करना, अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करना और उनके बॉसेस को मारना, और मेरे दोस्तों को जिंदा बचाना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे एक स्कूबा गियर चाहिए, तब जाके मैं पानी के अंदर जा सकता हूँ। ये है पार्ट 1 एसिड ओनली वर्ल्ड का। पार्ट 2 के लिए लाइक कम्प्लीट कर दो, वीडियो का लाइक 5000। और जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दो, हम लोग बहुत क्लोज है 2 मिलियन के। यार मैं हर बार ऐसे खतरनाक चैलेंज क्यों ले लेता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार तो चैलेंज और भी ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि मैं हूँ हार्डकोर में और पानी को टच भी नहीं कर सकता हूँ मैं। अब तुम लोग सोच रहे हो भाई पागल हो चुका हूँ मैं, इतना खतरनाक अब करूंगा क्या? लेकिन ये वाला 100 डेज बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें हमारा टास्क बहुत ज्यादा है। उसमें से एकदम इंपॉर्टेंट टास्क है कि फ्लिक और ऑल को मुझे छुड़वाना है यार। और मुझे मैसेज मिला है कि ये वाला टॉक्सिक वाटर कुछ दिनों के बाद और भी ज्यादा टॉक्सिक होगा। अब पता नहीं क्या टॉक्सिक है, जाके देखता हूँ यार। तुम्हें डैमेज पहुंच रहा, शिट क्या डैमेज है शिट यार, थोड़ा सा पैर क्या रखा इतना खतरनाक। अरे वेव्स देखो भाई, क्या हो चुका है पूरी दुनिया को। और मैं करूँ तो करूँ क्या, ये यहाँ तक पहुंचूंगा कैसे? अरे ओ इन्वेंटरी में कुछ है। ओके स्पाइक ग्लास है, फिशिंग रॉड है और ग्लो टॉर्च है। स्पाइक ग्लास तो सबको पता है, अब मैं अभी जूम करके देख सकता हूँ। ये देखो वो बैरल है वहाँ पर, और इस तरफ क्या है, है? भाई एमरल्ड, भाई किस बंदे का लूट आ गया यहाँ पर? यार एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुआ बताता तुम लोगों को मैं, पूरी दुनिया ओशन के नीचे आ चुकी है और कुछ कुछ बोट भी डूब चुके हैं यार, इतना भयानक ओशन का लेवल बढ़ चुका है और ऊपर से पूरा ओशन टॉक्सिक भी हो चुका है। और एक सेकंड भाई, फिशिंग रॉड से मैं ये सब पकड़ सकता हूँ? एक काम करते, पहले हम लोग कोई काम का सामान पकड़ते, मुश्किल भी होता है ना। अरे ग्लो टॉर्च क्या है? ओके मुझे समझ में नहीं आ रहा, चलो उसको अपने पास रखता हूँ अभी मैं। और एक काम करते, क्या खींचते अपने तरफ, ये खाने का सामान ये लेता हूँ, तो मुझे फिशिंग रॉड फेंकना पड़ेगा। और आजा भाई, ओके ये देखो मिल गया, क्या बात है भाई, 20 ब्रेड। खाने का जुगाड़ तो हो चुका है मेरा यार, मुझे लगता है किसी अमीर का शिप पलटा होगा यार, तब जाके इतना सामान मिला है। और हमारे आजू बाजू और क्या है? ओके ये क्या है, और उस तरफ कुछ अच्छा है, बैरल दिखाता ना मुझे कई बार, ये देखते हैं। ओशन के वेव एक तो इतने बड़े बड़े आ रहे हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा है। उस तरफ भी एक बैरल है, अच्छा वो तो ओक लॉग है। ओके ये बैरल है, ट्राई करते खींचने का, और ये तो मैं ला लूंगा आराम से। खींचते इसको अपने तरफ, भाई कितना डिफिकल्ट है, पानी की वेव्स के कारण और डिफिकल्ट हो रहा है। और ये देखो स्ट्रिंग मिल गया मुझे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसको मुझे अपनी तरफ खींचना है। तो थोड़ा सा यार दूर जाना पड़ेगा यार। एक मिनट, यहाँ पर बैंबू भी है, बैंबू को पहले खींच लिया मैंने क्योंकि हमें इससे स्टिक मिलेंगे ना। और मैं तुम लोगों को एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गया, हमें यहाँ पर मिलने वाले 5 टाइप के बोट, हर कुछ दिनों में मुझे ऐसे मटेरियल मिलेंगे जिससे मैं बोट बना सकता हूँ। लेकिन फिलहाल तो मेरे पास वो मटेरियल नहीं है और क्राफ्टिंग रेसिपी भी नहीं है, कुछ किताब वगैरह मिलने वाली है पर कुछ समझ भी नहीं आ रहा मुझे यार, ये तो मिस्ट्री बनते जा रही है। तो एक काम करते, इतने सारे बैंबूज है ना तो इनका स्टिक बना सकता हूँ चाहूँ तो मैं। कैसे बनता है स्टिक? ओके ये रहे पूरे स्टिक्स बन गए, और सिर्फ 10? ये कौन सी गरीबी है, मैं चाहूँ तो राफ्ट तोड़ सकता हूँ अपना, लेकिन एसिड वाटर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है यार। और एक तो मैं हार्डकोर में हूँ, मर गया तो खत्म हो जाएगा यार। मुझे लगता है मैंने बैरल पकड़ लिया हूँ, खींचता हूँ एक बार, नहीं यार मुश्किल है बहुत ज्यादा वेव्स के कारण, शायद मुझे थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा और अब शायद बैरल पकड़ लूंगा मैं। यार पता नहीं कब से मेहनत कर रहा हूँ, सुबह से शाम हो गई। ये देखो यार लहर भी ऊपर आ चुकी है क्योंकि रात के समय हाई टाइड होता है ना, तो मैं सोच रहा हूँ उस वाले बैरल पर फोकस करता हूँ, वो थोड़ा आसान लग रहा है यार, ये वाला तो बहुत डिफिकल्ट है। और एक बार में आ गया भाई, इतना आसान था, मैं अपना क्यू टाइम पास कर रहा था उस बैरल पर। और वहाँ पर और भी बैम्बूस वगैरह और भी है, बैम्बूस तो मैंने बहुत इकट्ठा कर लिया। एक मिनट, यहाँ पर गोल्ड है यार, ये कौन सा गोल्ड है,
इसको तो पहले लपकता हूँ मैं। ओके गोल्ड मिल चुका है मुझे, और कितना गोल्ड है? 4 पूरे गोल्ड मिल गए, क्या बात है, अचीवमेंट भी मिल गया। तो इसको पहले खोलते हैं और क्या मिलता है। ओ रोप, खाना मिला थोड़ा सा, गोल्डन एप्पल, क्या बात है, बोन मिला यहाँ पर, और रॉटन फ्लैश। चलो ये तो खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी खाना है मेरे पास। और ब्रेड तो नहीं मिला कुछ ज्यादा, ये रोप क्या होता है ये देखते हैं। और टोमेटो सीड है, चलो कोई बात नहीं, बीटरूट सीड मिला है, और ये क्या है, कैबेज सीड और गोल्डन एप्पल, सबसे इंपॉर्टेंट। अपने राफ्ट पर लगा के रखते हैं इसको यार, हम लोग आगे भी तो नहीं जा सकते ना। और एक मिनट, मुझे एक चीज ध्यान में आ रहा है यार, रात होने से पहले मैं एक चीज कर सकता हूँ, वो अपना बेड बनाना। तो मुझे स्ट्रिंग ढूंढना पड़ेगा, स्ट्रिंग कहीं पर है या स्ट्रिंग का तो पता नहीं, लेकिन वहाँ पर वुड है, तो वुड जरूर लूंगा मैं। और पानी कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, और मुझे ऐसा क्यों लगता है ना कि कुछ कुछ दिनों के बाद यहाँ पर टॉक्सिक वाटर बढ़ते रहेगा यार। ये एसिड वाटर हमें क्लियर दिख रहा है अभी, मुझे नहीं पता कब तक ये क्लियर रहेगा। तो एक काम करते हैं, उसको पहले लेते हैं, और वो क्या चीज है वो भी नहीं पता मुझे यार, वो दो दो चीज है वैसे, पता नहीं क्या आएगा पहले मेरे हाथ में, और कुछ तो पकड़ा मैंने शायद। ओके कुछ तो मिला है, और ये स्टोन, इतना सारा स्टोन, पूरे 63 यार, एक स्टैक दे देते, क्या प्रॉब्लम है। और ये कौन आ गया, शिट यार, इसे कैसे भिड़ूंगा मैं, रुक जाओ, इसको यहाँ पर लगाता हूँ, इसको आने देता हूँ मैं यार, ऐसे तो मर जाऊंगा मैं, शिट, रुक जाओ, हाथ से मारते रहना पड़ेगा इसको भाई, यही तो खतरा है ना इधर, इतनी खतरनाक चीजें रहती है, और ये ऊपर नहीं आ पाएगा शायद भाई, पानी की वेव के कारण भीगमंगा ऊपर नहीं आ पा रहा है। वैसे हार्ट्स कितनी है, ओ भाई ये भी तो हार्डकोर में, देखो मैंने कहा था तुम लोगों को, एक काम करता हूं स्टिक से इसका टकला बजाता हूं। यार ड्राउन को छोड़ो भाई, इसमें कोई दम वम नहीं है, लगता है पागल भटक गया, मुझे पहले स्टिक चाहिए यार, नहीं तो मार देगा ये तो मुझे यार, एक हिट में मर सकता हूं इसके मैं। वो कहां गया, ओके पानी के नीचे चले गया पागल, रुक जाओ, वो मुझे चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट। यार टाइड कितना ज्यादा बढ़ चुका है यार, पहले दिन ये सब होना चाहिए था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले दिन ये देखो तुम लोगों को दिख रहा होगा, हाई टाइड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, पता नहीं ड्राउन खुद डूब के मर गया। ये देखो भाई, इस गरीब का नाम ड्राउन है, लेकिन ये कोई काम का नहीं है। और ये देखो भाई, हाई टाइड इतना ज्यादा हो चुका है, वो ब्लॉक देखो, वो बैरल पर मेरी नजर थी, और वो बैरल खुद बेचारा पानी में डूब रहा है यार, मुझे खुद नहीं समझ रहा करूं तो करूं क्या यार, इतना डिफिकल्ट कैसे हो सकता है। लेकिन एक सेकंड, मुझे कुछ तो चमकता हुआ दिखा दूर में, ओ भाई वो कोई शिप है शायद। एक काम करता हूं, रेंडर डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ाता हूं पहले यार, रेंडर डिस्टेंस बढ़ा दिया मैंने, और एक सेकंड वहां पर तो एक शिप है, और एक सेकंड हाइट रेट इतना बढ़ चुका है ना कि कोई मतलब नहीं है। वो देखो दूर दूर तक तुम लोगों को दिख रहा होगा इतने अंधेरे में भी, पहले तो फ्लिकर ऑल को ढूंढता हूं मैं। ओ भाई आखिरकार सुबह हुई, और वो ड्राउन का क्या, मर गया कहीं पर लगता है भाई, हाई टाइड में आकर वो भी मर गया होगा। मैं तो यार अपने ये बैरल के ऊपर चढ़ गया था तब जाके बचा हूं मैं, और मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूं। तो एक काम करते जल्दी से वो ले लेता हूं यार मैं, यार रात को तो हाई टाइड था, लेकिन मुझे लगता है अभी मुझे मिल जाएगा वो, लगता है यार मैंने वुड पकड़ लिया शायद। ओके आ चुका है मेरे पास में स्प्रूस, क्या बात है, इसी का तो इंतजार था। और एक सेकंड, और एक सेकंड कुछ तो दिखा मुझे, ओके ये बैरल के पीछे कुछ तो छुपा है, और ये रहा एमरल्ड भाई, मजाक। चलो एक काम करता हूँ, सारी काम के सामान यहाँ पे फेंकता हूँ मैं, और मुझे पोक चॉप भी मिल चुका है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्या क्या मिल रहा है। तो एक काम करते ब्रेड रखते अपने पास में, और ये रखते, मैं तुम लोग को बताता हूँ हमारा पहला वर्किंग राफ्ट बनने वाला है, मतलब बोट बनने वाला है एक तरीके से, और 5 टाइप के हमें राफ्ट और बोट बनाने हैं। और वो देखो वो चीज अभी दिख रही है ना, तो एक काम करते वहां पर चलते भाई, अटैक वटैक करते हैं। वैसे मैं पायलट तो हूं नहीं, मौत लूंगा मैं, लेकिन कोई बात नहीं, और मुझे एमरल्ड दिख रहे तो इनको और उठाता हूं। तो पहले दिन खत्म होने के बाद मैंने आखिरकार एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया था, और क्राफ्टिंग टेबल के बाद मैं पहला रेसिपी अनलॉक कर सकता था अपना बैम्बू बोट का। तो यार चलो यार पहले बैम्बू बोट बनाते हैं, मुझे नहीं पता कैसे बनेगा। और ये रेसिपी थी उसकी, ओके ये रहा एक बैम्बू ब्लॉक, अब मेरे ख्याल से एक ब्लॉक से ओके ये रहा प्लैंक, क्या बात है, सही था यार मैं। तो एक काम करते इसको पूरा अच्छे से पहले हम लोग यूज करते हैं, और ये बनाते बहुत सारे बैम्बू ब्लॉक, और इसके हम लोग बनाते पूरे प्लैंक, और ये प्लैंक को अगर मैं ऐसे रखूंगा तो ये बन गया राफ्ट, क्या बात है, बैम्बू राफ्ट बन चुका है हमारा। अब मैं ढूंढ पाऊंगा फ्लिको राउल को, और वैसे फ्लिको राउल को ढूंढना इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक सेकंड, पानी गाढ़ा हो रहेगा शायद, नहीं यार वहम होगा मेरा, मुझे समझ भी नहीं आ रहा, तुम लोग कमेंट करके बताओ कि अभी से वाटर और ज्यादा टॉक्सिक होना चालू हो चुका है क्या। यार एक मिनट, अभी मुझे पानी का अंदर का हल्का हल्का दिखता था, वो देखो अगर तुमको समझ रहा है तो उसको कैल्प कहते हैं, और कैल्प मुझे दिख रहा है। चलो मुझे क्या यार, इग्नोर मारता हूं इसको मैं, और पहले हम लोग बैठते हैं इधर, अभी तो मैं कुछ और कर नहीं सकता, तो एक काम करते हैं एक शॉट तो बना के चलता हूं। लेकिन एक सेकंड, वहां पर आयरन रखा हुआ है यार, पहले हम आयरन उठाएंगे ना, और अभी तो मेरे पास ये भी है राफ्ट, ये देखो बैम्बू राफ्ट है भाई, ये भी कभी भी टूट सकता है क्योंकि भरोसा नहीं है ना। तो एक काम करते थोड़ा आराम से चलते, बहुत खतरनाक वेव भी आ सकते हैं। और 27 आयरन यार, ये डिफिकल्ट भी है और इजी भी अपने आप में, पर तुमको लग रहा होगा ऐसा, यहाँ के जो बॉस है ना भाई खतरनाक है, मैं तुमको तो बहुत चीजें बताया नहीं अभी तक के। तो एक काम करते पहले मैं टूल्स बना लेता बहुत सारे, ये बन गया मेरा एक्स, ये बन गया एक्स, ये बन गया पिकेक्स, और एक काम करते आर्मर सेट भी बना लेते ना यार, ये प्रॉब्लम है कि मेरे लेगिंग्स नहीं बन पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं मैं कम डैमेज लूंगा ना कम से कम। तो ये बन गया मेरा पूरा आर्मर सेट कंप्लीट। एक काम करता हूँ गोल्डन बूट्स भी बना लेता हूँ, लेकिन हो सकता है गोल्ड इंगट काम है मेरे, तो एक काम करते वेस्ट नहीं करते, और पहले बैम्बू बोट में बैठ के सबसे पहले हम लोग निकलते उस तरफ यार, हो सकता है पिलेजर और गोलम की शिप हो, कभी कभी होता है यार ऐसा भी। तो एक काम करता हूँ निकल जाता, और मुझे याद रखना पड़ेगा मेरे राफ्ट के कोऑर्डिनेट, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतेंगे ना तो मैं राफ्ट अपना अच्छा बनाते जाऊंगा। तो एक काम करते जल्दी निकलते, और ये क्या खतरनाक वेव्स है यार, ये इतने कम वेव में इतना हिल जा रहा हूं मैं, मुझे नहीं समझ रहा ये तो भाई। एक सेकंड, ये कुछ हुआ अभी, और ये क्या था भाई, ये शिप चेंज हो गई, ये तो लुटेरो की शिप है, भागो भाई ऐसे, ये सब क्या हो रहा है। एक मिनट भाई, अभी अभी विलेजर देखा मैंने, और एकदम से कुछ इफेक्ट आया और गेम में कुछ मैजिक हुआ मेरा, और ये शिप बन चुका विचेस का। और एक काम करता भाई, विच को तो मारूंगा भाई, दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने, मैं तो अच्छा ट्रेड करने आया था। और एक मिनट यार, अंदर कोई है क्या इसके, यार मैंने कहा था ना एसिड वाटर और टॉक्सिक वाटर के कारण इस जगह पूरी करप्ट हो चुकी है, और ये विच तो भाई बहुत गंदा मारेगी मुझे, थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। और एक मिनट भाई, इल्यूजनर भी है इधर, विच का पति है भाई, ओ मेरे पीछे आ रहा है, भागो ये तो पानी में खुद गया पागल, अरे चार चार बन गए, रुक जाओ एक सेकंड, तो कुछ तो फायदा उठा सकता हूं इस समय का।
और एक और प्रॉब्लम है, अगर यार मेरा ये बोट टूट गया ना तो मैं जगह पर मर जाऊंगा, तो एक काम करते चुपचाप यहाँ पर आते हैं और कुछ खतरनाक करूंगा जरूर। और पानी के अंदर कौन था? तुम लोगों ने भी देखा पानी के अंदर कोई तो था, टॉक्सिक शार्क तो नहीं था? कुछ समझ भी नहीं आ रहा और रात भी हो रही है, तो एक काम करते वो तो अच्छा वो पिकेक्स ला लिया मैंने, तो इनके शिप पर चढ़ना पड़ेगा। और ये भी तोड़ते हैं और ये चेस्ट मिल रहा है मुझे। ओके चेस्ट में क्या मिल रहा है देखते। ओके ये क्या है? घोस्ट ईयर है, ये कुछ नहीं काम आने वाला है लेकिन ले लेते हैं कुछ भी। और यहाँ पर बैरल वगैरह सब है। और ये क्या वाटर बॉटल? नो इफेक्ट। ग्लास बॉटल ये लेते हैं पहले। और गन पाउडर काम आएगा मेरे जरूर। और पोशन और लेविटेशन एक मिनट का। यार ये शिप के अंदर मैं और आराम से अंदर घुस सकता हूँ, तो एक काम करते थोड़ा बहुत तोड़ते हैं और उसके बाद घुसने का ट्राई करते हैं। इनका तो शिप ही डुबाऊंगा मैं आज। तो ये क्या इनका बाथरूम टॉयलेट है ये? अरे भाई एक सेकंड ब्लॉक करना पड़ेगा। और ये क्या है? ये लोग क्या क्या पाल के रखे? मुझे ये ब्लॉक करते और थोड़ा कोने चलते पहले। और एक सेकंड ये तो सिल्वर फिश है। ओ भाई ये तो अटैक कर रहे, ये लोग खुद मरेंगे देखना। भाई लोग जो इनको डैमेज नहीं हो रहा है। एक मिनट ये तो मर गया सिल्वर फिश। और कहां पर है? अरे यार ये तो बहुत गाना डैमेज देने वाले। थोड़ा निकलना पड़ेगा, थोड़ा बाहर चलते। मुझे लगा इन सिल्वर फिश से भागना पड़ेगा मुझे, लेकिन कल मैं फिर आऊंगा यहाँ पर वापस। अभी चलते थोड़ा राफ्ट को अपना बड़ा करते। यार राफ्ट को बड़ा करना जरूरी है, नहीं तो ऐसे लोग तो भाई मुंह मार के आ जाएंगे हमेशा। और एक मिनट मैंने अभी देखा वो शिप पर दो लोग है शायद, एक तो विच है और उसका पति है शायद, या दोस्त है पता नहीं कौन है, लेकिन मैं जा रहा हूँ अपने राफ्ट की तरफ वापस। और टाइट बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो मेरा राफ्ट भी नहीं दिख रहा है। वो तो अच्छा है आज गैलेक्सी चमक रही है, नहीं तो मैं फंस गया रहता। तो यहाँ से निकलते पहले और चुपचाप बैठ जाता हूँ। भाई कैसे कैसे लोग है यार यहाँ पर। यार काम करते करते ये देखो मैंने राफ्ट को थोड़ा और बढ़ा दिया। यार थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। और मैंने अभी नोटिस किया कि ये पानी देखो और भी ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है। मैंने कहा था तुम लोगों को दिन ब दिन पानी टॉक्सिक होगा, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। और सुबह हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ उस बोट में अटैक कर देते हैं, लेकिन इस बार मैं तैयारी के साथ जाऊंगा। मैं शील्ड बनाऊंगा और शील्ड बनाने के लिए मेरे पास आयरन भी है, टेंशन मतलब इस बार। तो यार आज का टाइट तो बहुत ज्यादा हाई है भाई, ये देखो यार डूब ना जाऊं मैं। और मेरा ये भाई बैम्बू राफ्ट टूट जाएगा, मुझे नई बोट की जरूरत है। वैसे हो सकता है कभी लेवल कम हो कभी ज्यादा हो, लेकिन ये तो खतरनाक है भाई। तो ये शिप को तो आज लूट के रहूंगा भाई, बहुत पागल बनाते इन लोगों ने। विलेजर के नाम पे यहाँ पे तो विच और वो उसका पति निकला, यहाँ से जाने की सोच रहा। और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? पहले से सेटिंग बिठा के रखा था। और एक मिनट ये मेरा बोट तोड़ने वाला था, तो मुझे थोड़ा इस तरह से घुसना पड़ेगा। ये क्या था यार? तो यार एक काम करता हूँ मैं तो यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी में हूँ, और बोट मेरा यहाँ पर ठीक रहेगा। मुझे नए बोट को अनलॉक करना जल्दी से यार, नहीं हो पाएगा नहीं तो। तो एक काम करते यहाँ से धीरे तोड़ते हैं और देखते हैं मैं कहाँ पर निकलता हूँ। इन लोगों का शिप भी तो बहुत ज्यादा बड़ा है ना, यहाँ से मुझे धीरे से ऊपर जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है मैं सही आया हूँ शायद से। ओके यहाँ पर कोई विच नहीं है। और यहाँ पर ये क्या है? ओके एक सेकंड सेल मिल गया, क्या बात है यार। जो मैंने सोचा था सही निकला, यहाँ पर सेल है यार, गजब हो गए। तो मैं सेलर से इसको यहाँ पर दबाना पड़ेगा मुझे, जो इसको मारता। और मर गया एक बार में? नहीं भाई मरता नहीं जानवर, इसको तो पानी फेंक दिया मैंने, क्या बात है वो तो निपट गया। अब बारी है मेन आइटम लोगों की, और इन लोगों को थोड़ा पकड़ पकड़ के मारना पड़ेगा। और ये देखो यार इनका बैनर भी इनका, ये देखो टॉक्सिक वाला स्कल है। और ये सेल की मदद से मैं अगला बोर्ड बना सकता हूँ। और ये स्पॉन हो रहा है, एक सेकंड इनका स्पॉनर तोड़ना पड़ेगा, रुक जाओ। ओके ये तो मर गया, रुक जाओ। कहाँ पर स्पॉनर? जल्दी चलता हूँ, ये तो बहुत गंदा मारेंगे मुझे, आराम से देखना पड़ेगा। और ये क्या हो रहा है? एक सेकंड ये क्या है? ओ ये खतरनाक फिजिक्स है इधर तो। और थोड़ा इस तरह से जाता हूँ मैं, और ये टूट ना जाए प्लीज। ये नीचे बीच मुझे आवाज आ चुकी है, और ऊपर एक बीच इसको मार दो पहले, ये मुझे ना मार दो पहले, मारता जल्दी बीच। ये कोई पोशन पी रही है, शिट डैमेज का पोशन मिल चुका है मुझे, लेकिन इसको तो मैं मार करूंगा, पॉइजन से मर जाऊंगा यार। शिट हाफ हार्ट में बचने वाला हूँ, तो एक काम करते हैं सिल्वर फिश ने मार दे मुझे, थोड़ा दूर भागना पड़ेगा। यार हार्ड कोर में वैसे भी रिस्क नहीं ले सकते ना, चलो बच गया यहाँ पर तो मैं। और एक और सिल्वर फिश आ गया, चलो कोई बात नहीं, इसको तो मार दूंगा इजीली मैं। यार दो सिल्वर फिश आ गए, कोई तो स्पॉन कर रहा है इनको। यार नीचे मुझे एक और विच की आवाज आ रही है, यार ये वाला बंदा दो विच लेकर घूम रहा है। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा हार्ट फुल करने दो, और सीधा अटैक करने वाला हूँ इस पे मैं। और ये कहाँ से आ रहा है? ये अनलिमिटेड आते रहेंगे जब तक विच नहीं मरेगी। और वो रही विच, इसको तो मारने पड़ेगा, रुक जाओ। दो तीन हिट किए सिर्फ, और इसे मुझे देखी नहीं अभी तक, खत्म भाई जल्दी मर जा। और कैप्टन है ये, शिट भाई कैप्टन को मारता। और भाई कितना मुश्किल इसको मारना। ओके आखिरकार मर गए, इसको समझा ही नहीं क्या हुआ इसके साथ। और ये एक और भाई, ये क्या कर रहा है इधर? और एक सेकंड तुम लोगों को दिखा, तो ये देखो यहाँ पर इल्यूजनर है, तो इसको तो मैं पूरा ब्लॉक कर दूंगा। और बस ये पूरा का पूरा ब्लॉक हो चुका, और पता नहीं यहाँ पर क्या क्या बन रहा है। इसको भी थोड़ा बहुत ज्यादा धुआं हो चुका था इधर। तो यार यहाँ पर बहुत सारे चेस्ट है, किस किस को ढूंढूं मैं? एक काम करता हूँ सेल ले लेता हूँ पहले, और इस तरफ मैंने देख लिया, नीचे भी कुछ कुछ देख लिया मैंने, ऊपर देखते यार कोई चेस्ट मिलता है क्या। और एक मिनट ये भी एक चेस्ट है, और एक मिनट यहाँ पर भी एक बैरल है, और यहाँ पर बुक एंड क्विल भी है। तो पढ़ते हैं इसको क्या लिखा है। ओ कुछ लिखा है यहाँ पर, वो दरिंदा फ्लिक पकड़ा गया है कॉर्ड्स। ओ भाई ये कोऑर्डिनेट है भाई, ये फ्लिक के बारे में बात कर रहे हैं। और कौन फ्लिक होगा यहाँ पर? तो यार रात भी हो चुकी है और वो इल्यूजनर जिंदा है, तो मैं उससे लड़ाई नहीं करना चाहता भाई, बहुत डेंजर होता है वो। तो एक काम करते ऊपर की तरफ चलते हैं और सीधा निकलते हैं यहाँ से। वैसे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ चेस्ट नहीं है वहाँ पर, मुझे दिख भी नहीं रहा है कुछ। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं एक बोट बना सकता हूँ अब। और ये देखो समुद्र कितना भयानक हो चुका है, पूरा टॉक्सिक, लेकिन मैं यहाँ से बच के भाग सकता हूँ। ये रहा मेरा बोट, क्या मैं चांस लूँ? एक मिनट लेते हैं चांस, लेकिन मैं तो यहाँ से डायरेक्ट कूद रहा हूँ यार, सीधा बोट में चलते अपने और बैठ के बच गया। भाई पानी में टच हुआ था लेकिन कुछ डैमेज पहुंचा नहीं, मतलब एक सेकंड के लिए हमें डैमेज पहुंचता नहीं है। और जल्दी निकलता हूँ, ये देखो सूरज डूब रहा है भाई, और नजारा कितना ज्यादा अच्छा है लेकिन उतना ज्यादा डेंजरस भी। और नीचे किसी ने खींचा था मुझे भी। यार तुमको एक बात तो बताना भूल गया मैं, यहाँ पर शार्क वगैरह भी है भाई, खतरनाक वाली, और ऐसे ऐसे जानवर है ना जो हमने देखे नहीं है। तो मुझे एक बॉस को भी हराना है यहाँ पर। तो अगर मुझे लेवल 2 की बोट बनानी है, जो लेवल 1 का बोट ये है, ये देखो ये गंदा सा,
लेवल 2 का बोर्ड तो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, या उसको लेवल 1 का बोर्ड भी बोलना चाहिए। तो वो बोर्ड बनाने के लिए मुझे थोड़ी बहुत और फिशिंग करनी पड़ेगी। तो रॉड निकालते पहले अपना फिशिंग का, और यहाँ से मेहनत चालू करते अपना। तो यहाँ से मुझे कुछ कुछ चीजें चाहिए, जैसे स्ट्रिंग हो गया, तो कुछ समय लगने वाला है इसमें। यार पिछले 2 दिन से जिस चीज का इंतजार था वो हो चुका है, अब मैं बना पाऊंगा अपना सेकंड लेवल का बोर्ड। तो पहले चलते अपने राफ्ट में बैठते, और इस तरफ मैं देखा था वो चीज, वो है स्लाइम। भाई सोचो इतनी फालतू चीज के लिए रुकना पड़ा मुझे। ये देखो ये रहा स्लाइम, इसको पहले उठाते हैं, और ये मिल चुका है 2-2 ब्लॉक, क्या बात है। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग चाहिए, और स्लाइम और स्ट्रिंग से हमारा काम हो जाएगा। मुझे बनाना है लीड, तो पहले मुझे बनाना पड़ेगा स्लाइम बॉल, और फिर उसके बाद में इसको ऐसे रखते, और पता नहीं कैसे बनता था। ओके मुझे लगता है लीड बन जाएंगे। ओके 2-2 बन गए, क्या बात है। वैसे मैं चाहूँ तो और बना सकता हूँ, तो और 2 बना लेते हैं, ठीक है काफी रहेगा इतना। अब मुझे बनाना है वो बोट, तो और भी चीजें लगेगी, तो सब कुछ जमा कर लेता हूँ पहले मैं। तो यार ये बन गए मेरे 2 बोट, ये तो काम हो चुका है। अब मुझे 2 बोट कैसे रखना है, और यहाँ पर रखना है सेल, और कैसे बनता था। तो 2 नहीं यार 3 बोट बनानी है मुझे। अब मुझे मालूम चले बाजू में रेसिपी भी है मेरे पास में, ये देखो ये रहा रेसिपी, हमें ये बनाना है। इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ मैं अपना सेल, और यहाँ पर रखता हूँ अपने लीड को 2-2, और ये बन चुका है हमारा ओक कॉग। भाई गजब चीज बन चुकी है, अब तुमको अंदाजा भी नहीं है इससे मैं कितना दूर जा सकता हूँ, और मेरा बोर्ड भी नहीं टूटेगा। अब कोई भी चीज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। पहले एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर रखता हूँ मैं। तो ये आ गया हमारा लेवल 1 का बोर्ड, और ये लेवल 1 से ज्यादा लेवल 5 का दिख रहा है, लेकिन सोचो लेवल 5 का बोर्ड कैसा होगा। तो एक काम करते हैं सारी जरूरत का सामान लेके निकलते हैं। वैसे सारा सामान है मेरे पास में, तो कल निकलेंगे क्योंकि रात को कोई भी मॉन्स्टर आता है इधर। तो चलते हैं फ्लिक दरिंदे को बचाने के लिए, और कोऑर्डिनेट मैंने याद कर लिया हूं, लेकिन उसको दरिंदा क्यों बोला गया, चलो उससे पूछ लूंगा मैं। और हमारा बोट आगे कैसे बढ़ेगा। ओके तो अब मैं समझा स्मॉल शिप को कैसे चलाना है। जैसे हमें सेल को नीचे करेंगे हम आगे बढ़ सकते हैं, और ये देखो मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं, और भाई सेल पूरा नीचे अपने आप हो जाएगा, ये देखो ऑटोमेटिक पूरा काम। अब हम लोग चलेंगे फुल स्पीड में। अब ये देखो पानी भी नहीं आ रहा मेरे बोट के अंदर, भाई कितना ही बड़ा हाइट हो कुछ भी नहीं होने वाला अब मुझे। और फ्लिक को बचाने के बाद में मेरे और भी प्रोजेक्ट हैं, देखते हैं फ्लिक को बंदी क्यों बना के रखे इन लोगों ने। और ये देखो जिसको मैंने अभी लूटा हूं वो शिप कितना ज्यादा बड़ा है हमारे शिप से। भाई पहुंच गया आखिरकार में, लेकिन एक सेकंड ये कौन सा आइलैंड है यार, कहीं वही गोरिल्ला आइलैंड तो नहीं है जहाँ पर सारे जानवर रहते हैं। यार एक सेकंड मुझे तो वहाँ पर बंदर दिख रहा है, यार ये क्या मजाक चालू है। यार रुक जाओ सेल को थोड़ा डाउन करता हूँ, साइड में रोकता हूँ पहले मैं। और एक सेकंड ये लोग मारने क्यों आ रहे मुझे, और इन बंदरों का नाम भाई कुछ तो गलत नाम है इसका। भाई गोरिल्ला भाग ऐसे, ओ भाई ये तो चार्ज हो रहा था। रुक जाओ अंदर चलता हूँ मैं, और अंदर भी बहुत सारे बंदर। शिट रुक जाओ ऊपर कोई होगा, ऊपर आना पड़ेगा। अरे ये कौन है, तो फ्लिक है। अरे बंदर यहाँ पर भी आ गए। एक मिनट भाई तू कहाँ से आ गए यहाँ पे, यार मैं तो बाहर देख रहा था और किसी की बोट मुझे दिखी भी थी। और ये क्या भाई बंदरों से मार खा रहा है भाई तू। थी अबे तू जेल में क्यों बंदर फ्लिक, ये बता मुझे। अरे तुझे क्या बताऊँ यार, मैं तो हल्का हो रहा था भाई ये समंदर में, तो पूरा समंदर टॉक्सिक हो गया। यार मजा क्यों कर रहा है, तेरा क्राइम क्या ये बता मुझे। अरे पहले तोड़ भाई यहाँ से भागते, फिर बताता हूँ तुझे। पहले बोट में बैठ, जल्दी बोट में बैठ, मारेंगे लोग बहुत कुत्ती की मौत। भाग यार इन्हीं लोगों ने पकड़ा था मुझे, भाग। अबे भाई हमारे बोट में बंदर क्या कर रहे। ओके मर गए भाई। भाई क्या ये, तू बंदरों के साथ कोई गलत काम तो नहीं कर रहा था ना, ये क्या था। यार बंदर लोगों ने तो मुझे पकड़ के रखे थे यार, क्योंकि यार मैं समुद्र में हल्का हो रहा था एक दिन, तो इन लोगों ने मुझे देख लिया और पकड़ लिए थे। तब तो मैं यहीं पे कह दूं। तो बंदरों ने देख लिया तुझे। अरे एक तो विच थी भाई, और इसका एक पति रहता है ना इल्यूजनर, यार उन दोनों ने मिलकर मुझे पकड़ लिया था, और ये बंदर तो उनके चेले है। भाई मुझे मालूम है यार वो लोग जादू वादू करते हैं, पहले तो मुझे लगा वो लोग विलेजर है, लेकिन बाद में चेंज हो गए। चलो फ्लिक तो बच चुका है, पर एक बात बता राहुल कहाँ पर है, उसको बचाना भाई, टास्क मिला है मुझे। अरे राहुल को भाई मैंने देखा था यार, वो स्टार्टिंग में यार मेरे साथ में था, वो बाजू वाले एक आइलैंड में। चल यार वो आइलैंड पे जल्दी से उसको बचाने चलते हैं। अब यार आते समय पूरे 2 दिन लग गए, पता नहीं फ्लिक ने कहाँ पे रास्ता बता दिया, भटक गए थे हम लोग। और ये कौन सी गरीब की जगह भाई, लकड़ी का आइलैंड, ये तो पहली बार देखा मैंने दुनिया में। यार तुझे मैंने बचाया और तू मुझे बोल रहा है ये आइलैंड नहीं है, राफ्ट है मेरा जहाँ पर तू खड़ा था पहले, और यहाँ पर राफ्ट को मैंने एक्सटेंड किया हूँ। यहाँ पर मैं सबसे बेस्ट बेस बनाने वाला हूँ पूरी दुनिया का, वो भी टॉक्सिक वाटर में। यार लेकिन फ्लिक मैंने तेरी जान बचाया, और तू मुझे ऐसा कह रहा है, भाई कुछ गिफ्ट देना चाहिए तुझे तो, या कुछ काम का इन्फॉर्मेशन दे राहुल कहाँ पर है। यार ये ले पकड़ भाई, एक गोल्ड वाला मेरे पास चीज है, ये पकड़ ले भाई, 20 लाख रुपए में बिके गए। तेरे हाथ में क्या था अभी, रुक जा वो दे यार मुझे। अच्छा ये भी तुझे चाहिए तो ले ले, चल यार तूने जान बचाई है, पकड़ ले भाई, मेरे तो वैसे भी कोई काम का नहीं है। चल मैं जा रहा हूँ भाई राहुल को बचाने के लिए, तू पकड़ के बैठ इसको। भाई तू जा राहुल का पता करके, साथ में बचाएंगे उसको, तू बचा नहीं सकता। और ये लेकर जाना, बड़ी बोट नहीं मिलेगी तुझे, जा भाग। यार यही दिया तूने, कम से कम बोट दे देता, जान दे यार इससे मैं काम चला लूंगा, मेरे साथ आदमी कुछ भी कर सकता है। तो चलो यार फ्लिक गरीब तो जा चुका है, और उस गरीब को पता नहीं है कितनी बड़ी गलती कर दी उसने। ये देखो इसको बोलते हैं स्कूबा बूट्स, अगर मुझे पूरा सेट मिल जाएगा ना तो यार मुझे डैमेज बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा ये पानी के अंदर। सोचो टॉक्सिक वाटर से बचा सकता है हमें, क्योंकि भाई ये बना ही ऐसे मटेरियल से। यार ये फ्लिक गरीब को क्या पता करोड़ों की चीजें छोड़ दिया इसने। तो ये पता नहीं ये क्या लाइट वेट प्रेशर प्लेट है, तो इसको रखता हूँ मैं। लेकिन अब मैं बनाने वाला हूँ अपने राफ्ट को सबसे बेस्ट। वैसे राफ्ट रहेगा इस कोने में हमारा, लेकिन ये एरिया को पूरा एक्सपांड करके बहुत बड़ा बनाऊंगा अब मैं। तो फिशिंग करते करते मुझे दूर में दिखता है सैपलिंग, मैं वो सैपलिंग उठा लेता हूँ। और ये देखो 49 सैपलिंग, ये कुछ ज्यादा नहीं है, ये तो बहुत समय का काम हो चुका है मेरा। तो एक काम करते राफ्ट को थोड़ा बहुत एक्सपांड करते हैं इस डायरेक्शन में, यहाँ पर रहेगा मेरा घर, तो ये डायरेक्शन में हमारा फार्म रहेगा। भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक कुछ बनाने वाला हूँ मैं। तो एक काम करते हैं, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा हाइट में बनाना चालू करता हूँ, क्योंकि ये वेव कभी बढ़ सकते हैं ऊपर की तरफ। मुझे पता है अभी के लिए राफ्ट थोड़ा अजीब दिख रहा है, लेकिन ये करना जरूरी था, मुझे एक ट्री फार्म बनाना है। एक काम करते हैं यहाँ से चालू करते हैं,
और यहाँ पर एक ट्री फार्म बनाता हूँ और इस कोने में एक बनाता हूँ। ऐसे करके चार कोने में चार ट्री फार्म मेरा पूरा काम हो जाएगा। और भाई क्या लगेगा हमारा राफ्ट यार, एक बार स्प्रूस वुड मिल गया तो। अच्छी बात यह है कि मेरे पास बोन भी है तो उसमें बोन मिल बना लूंगा। और ये देखना क्या लगने वाला है, ये वाला पेड़ कब उगेगा भाई? उग जाना चाहिए ना वैसे, ये इसको और डॉट लगता है, मुझे पता नहीं है, मेरे पास और डॉट है नहीं, मुझे लेकर आना पड़ेगा कोई आइलैंड से, और आइलैंड ज्यादा बच्चे भी नहीं है। ओके ये वाला तो उग गया, और इतना छोटा पेड़, चलो कोई बात नहीं, सात आठ बोन मिल और है, ये भी उग जाएगा जल्दी। तो राफ्ट में हमारे चारों पेड़ उग चुके थे और अब बारी है खतरनाक बिल्ड बनाने की और राफ्ट को एक्सपांड करने की। और एक सेकेंड भाई, मेरे राफ्ट के पास में शार्क क्या कर रहा है यार? पानी के अंदर चले गया वो, भाई खतरनाक बड़ा सा शार्क था भाई, व्हेल जितना बड़ा शार्क कैसे हो सकता है यार पानी के अंदर? ओ ये यही पर, इसको मारू भाई, मैंने मारा इसको, पागल ना हो जाइए भाई, शार्क से पंगा ले रहा भाई, क्या बाप आदमी बन चुका हूँ मैं, लेकिन मैं उसे और पंगा नहीं लेने वाला हूँ। और अभी तो कहा गया वो पता नहीं कहाँ पर है, लगता है मुझे खाने के लिए आया था और मैंने बाहर के भगा दिया उसको, खैर वो मेरा वहम है भाई, मारेगा आकर मुझे अब वो। तो छोड़ो यार मैं अपने काम पर लग जाता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास में बहुत सारे वुड हो चुके हैं और ये जो वुड है ना उससे बनाऊंगा मैं एक बहुत बड़ा आइलैंड। और ये शार्क यही पर घूम रहा है भाई, पागल हो चुका है, रुक जाओ एक दो हिट और मारता हूँ यार, पक्का खाने के लिए आया किसी ना किसी को वो। पानी के अंदर जाकर देखो कितना बड़ा है, नहीं यार रिस्क कौन लेगा, वैसे भी हार्डकोर में हूं मैं, मर जाऊंगा एक ही बार में। और मैं सोच रहा हूँ पूरे 100 दिन में यहाँ पर एक बहुत बड़ा आइलैंड बनाऊं, तो आइलैंड का काम शुरू करने से पहले मुझे इसका आउटलाइन बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए वुड सबसे ज्यादा सस्ता है मेरे पास में, तो वुड से हम लोग चालू करते हैं, बाकी हम लोग फिशिंग करके और भी चीजें ला लेंगे। और वैसे मैं सोच रहा हूँ इस तरफ हम लोग पूरा अपना आइलैंड बनाते हैं, क्योंकि पानी यहाँ पर थोड़ा ठीक है, वैसे आगे जाते थे खराब हो जाते, लेकिन मैं आइलैंड बनाऊंगा एक हाइट के ऊपर, क्योंकि पानी में नहीं गिरना है मुझे। और ये वाला काम सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आइलैंड का पूरा शेप मुझे बनाना पड़ेगा और अभी तक देखो शेप इतना कम कंप्लीट हुआ है। तो एक काम करता हूँ, इस तरफ से मैं इसको मोड़ना चाहता हूँ और आइलैंड हमारा रैंडम शेप में रहेगा, ऐसा नहीं कि मैं सर्कल में बनाने वाला हूँ, टेंशन मतलब वैसे भी दिख रहा होगा भाई ऐसा कौन सा सर्कल होता है। और 100 दिन में तो पूरा आइलैंड कंप्लीट करूंगा मैं, और तब देखना क्या लगने वाला है ये। तो जैसा ये फालतू शेप हो सकता था मैंने बना लिया, क्योंकि ये आइलैंड लगना चाहिए ना नेचुरल एकदम। अब बस मुझे डर्ट चाहिए और हमारा आइलैंड हो जाएगा कंप्लीट। यार पूरी रात भी हो चुकी है तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और मैंने अभी तक अपना बेड नहीं बनाया हूँ। तो एक काम करते पहले अपना बेड बना लेते हैं, यार अभी तक बेड की जरूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि 5 रातों से बिना रुके काम कर रहा था मैं। लेकिन मुझे लग रहा है धीरे धीरे मॉब स्पॉन हो रहे हैं, तो हमारा आइलैंड भी बड़ा हो चुका है, तो अब तो स्पॉन हो गई। तो एक काम करते पहले हम लोग टॉर्च बनाते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। यार अभी के लिए मेरे पास 39 डॉट है, तो इतने में काम चलाते हैं अपना, और बाकी डॉट का जुगाड़ करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पानी में गिरना नहीं है, थोड़ा सा आराम से काम करना पड़ेगा फिर कुछ करते हैं। और अभी सिर्फ इतना ही डॉट है मेरे पास, अब मुझे कम से कम 5 या 6 स्टैक चाहिए यार, आधे स्टैक से कुछ भी नहीं होता है। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से निकलता हूँ, और फ्लिक अभी तक आया नहीं, 5-6 दिन बीत चुके हैं और वो गायब है। तो एक काम करते बोट के पास पहले पहुंचता हूँ, दूर खड़ी कर दिया था बोट को, यार अभी चलते हैं और कोई और आइलैंड ढूंढते हैं। तो यहाँ पे बैठता हूँ बोट में, पहले आइटम वगैरह मिलते रहेंगे और शार्क को मुझे ठोकना नहीं। ओ भाई ये बंदा पीछे ना पड़ जाए मेरे, शिट वो मेरे पीछे आ रहा है ये, यार थोड़ा आना पड़ेगा बोट को, वो शार्क सच में पागल हो चुका है, मैंने गलती से डैमेज दे दिया था उसको। यार पूरे 2 दिन से समुद्र में फटक रहा और अब जाके मुझे कुछ मिला सामने, वो भाई सामने एक लाइट हाउस है, चलते जल्दी वहां पर। और एक सेकंड रात को मुझे लगता है नहीं जान चाहिए, खतरा हो सकता है, अपने सेल को नीचे कर देते। और ये क्या मछलियां मरी हुई है यार, अपने आप मेरी इन्वेंटरी मछलियां आ रही है यार, खतरनाक जगह और सामने भी कुछ है यार, पायलट वगैरह की शिप हो सकती है। तो पूरे रात भर मुझे ऐसे रुकना पड़ेगा और सुबह होते जाऊंगा मैं, यार रात को नहीं जा सकते, कुछ देर में सुबह होती होगी। तो यार मुझे लगता नहीं लाइट हाउस में कोई खतरा होगा, लेकिन भाई भरोसा नहीं है। तो बोट को पहले सेल करते और मैं उतर चुका हूँ, और बोट हमारी ठीक है ना भाई, बोट को कुछ नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं जा पाऊंगा मैं। और इधर कुछ है, तो इधर तो मुझे अच्छी जगह लग रही है। एक सेकंड ये बैरल खाली है और ये भी, लेकिन एक सेकंड वो क्या है भाई, एमरल्ड कैसे पड़ा है यहाँ पर, इधर डिस्पॉन हो जाना चाहिए था, मुझे स्केलेटन की आवाज आ रही है। और ये भी मरा हुआ है, कमाल है। एक मिनट, अबे भाई ये कौन है, शूट, ओ भाई ये तो मेरे तरफ आ रहा है, मुझे लगा कोई इंसान है। और यहाँ पर स्केलेटन क्या कर रहा है, रुक जाओ भागना पड़ेगा, फिर ऊपर की तरफ भागते हैं। यार ये ओशन में ऐसे पागल पागल लोग क्यों है, और ये आ ही रहेगा मेरे पीछे, अबे भाई ये तो टेलीपोर्ट कर रहा है, रुक जाओ भाई, डैमेज कितना देता है हार्डकोर में, मर जाऊंगा मैं, भागना पड़ेगा, शूट वो भाई तो मार देगा। यार थोड़े से हार्ट का बचा हुआ है वो, तो थोड़ा देखकर जाना पड़ेगा, बहुत गंदी बहुत मारता है। और अरे भाई ये गायब कैसे हो, भाई ये तो भूत है, रुक जाओ इसको एक हिट मारता हूँ मैं, एक हिट का बचा है सिर्फ ये, ओके मर गया। भाई क्या पागल बना था ये, जो भी था दोपहर में भूत बन रहा है ये, ऐसा होता है कभी? चलो कोई बात नहीं, मैं तो चलता हूँ ऊपर की तरफ, यहाँ पर ऐसा रिस्क था तो रिवॉर्ड भी तो होगा ना। अच्छा चलते हैं अंदर की तरफ और देखते क्या मिलता है। ओके केक है तो पहले खाना खा लेता हूँ, केक तो उठा नहीं सकते है ना, और यहाँ पर बेड भी है, तो एक काम करते बेड भी लेकर चलते हैं। और ये क्या है, ओके डायमंड मिल गया, क्या बात है, एंड अप है भाई, ये तो खजाना है। और स्कूबा लेगिंग्स, क्या बात है, सेकंड चीज मुझे मिल चुकी है जो मुझे चाहिए थी। और ये तो ठीक है, गोल्डन कैरेट भी है, एमरल्ड भी है, सब है यहाँ पर। और ये क्या है भाई साहब, इतने सारे डायमंड, पूरे 30 डायमंड मिल गए मुझे, और भी एंड अप है, और ये भी है ले लेते हैं, और ये सब सब कुछ है यहाँ पर। और बंदे का खानदान हलवाई था क्या भाई, सब कुछ है खाने के लिए यहाँ पर, तो ये खाना ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं। और रॉ सैल्मन उसको भूत खाएगा, मुझे नहीं चाहिए। और क्या है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। और एक सेकंड स्मोकर है, ये लेकर चलते हैं। और अरे एक सेकंड, स्कूबा चेस्ट प्लेट यहाँ पर छुपा हुआ था, ये तो खतरनाक जगह, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ओके तो पॉट है, पॉट का क्या करूंगा, यहीं पर छोड़ देते हैं। और मुझे 2 चीज मिल चुकी है, तो क्या मैं इसको पहन सकता हूँ, चलो इसको पहनते हैं, और ये लेगिंग्स भी पहन लेते हैं। और ये देखो भाई, बस हेलमेट की कमी है यार, मुझे हेलमेट भी ढूंढना पड़ेगा यार, मैं निकला ही हूँ तो हेलमेट भी ढूंढ के जाएंगे अब घर हम लोग। मुझे बाहर से आवाजें क्या आ रही है, मुझे लगता है विलेजर आ चुके बाहर, चलते। अरे ये विलेजर थोड़ी ना है, शिट ये क्या है पागलपना, इसको तो मारूंगा, ये अकेला ही है, रुक जाओ। अरे भाई क्या धक्का दिया इसने, ओ फिर से भूत बन गया, रुक जाओ इसको अब पकड़ पाऊंगा मैं, इसकी आंखें दिख रही है। अरे भाई तू भूत मत बना कर यार,
एक मिनट भाई, मर जा जल्दी। ओके ये तो मर गया, चलते भाई बोर्ड की तरफ। क्या पागल बनाई है। और भाई वो तो अच्छा, मेरे पास पोक शॉप है अभी यार, उस तरफ वाला बोर्ड तो मैंने देखा नहीं। और एक मिनट, यहाँ पर एक और छुपा हुआ, इसको भी मारते हैं भाई। सबको मार के जाऊंगा, ये आइलैंड को आजाद करूंगा। पता नहीं, मुझे लगता है यहाँ के लाइट हाउस के ऑफिसर होंगे। ये बेचारी भूत बन गए एसिड वाटर के कारण। भूत तो नहीं भाई, कुछ और ही दिख रहे हैं मुझे। और एक और आ गया भाई, कितने इधर। ओके ये भी मारा गया, और शाम भी हो चुकी है भाई। क्या पागल बना है, मैं तो निकल रहा हूँ। और सेल को हम लोग नीचे करते पहले। और पानी की वेव भी कुछ ज्यादा ही ऊपर आ चुके हैं, थोड़ा बचकर जाना पड़ेगा। वो वाले बोट में पहुंच चुका हूं और मुझे लगता नहीं है कोई खतरनाक का बोट होगा ये, लेकिन यहाँ पर रिस्क है यार। तो एक काम करते, सेल को नीचे करते। और एक मिनट भाई, वो कोई अपना विलेजर तो नहीं है। सोचा, विलेजर को देख के खुशी हो रही है मुझे पहली बार जिंदगी में। तो बोट को डॉक करते पहले और उतरते हैं। और यहाँ पे उतरता हूँ मैं, और बोट जा रही है भाई। ओके रुक गई बोट। और इनका बोट देखो यार, ये तो डूब रहा है बेचारों का बोट। और ये बंदे से बात करता हूँ मैं। और ये क्या दे रहा है, बकेट ऑफ कॉड। और ये तो बड़ा गरीब है यार, अंदर की तरफ चलते। और ये, और इससे डैमेज तो नहीं होगा ना। नहीं हो रहा है यार, बेचारों का बोट डूब रहा है। कुछ करके जाऊंगा इनके लिए अच्छा। और ये वाला भी वही दे रहा है यार, बेचारे गरीब लोग है। और इनके पास क्या है कुछ अच्छा। ओके आयरन, ओ भाई साहब इनके पास में सेल है अच्छा वाला। तो एक काम करते हैं, इनके लिए ये छोड़ देते हैं और ये भी छोड़ देते हैं। और इनके पास में बहुत सही सेल है, और आयरन चेस्ट प्लेट भी ये लोग रख लेंगे। यार तुम लोगों को याद है ना, पिछले बार जब सेल मिला था हमें, तो हमने लेवल 1 का बोट बनाए थे। अब मैं बना सकता हूँ लेवल 2 का बोट। और इन लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, तो मैं सोच रहा हूँ इनका बोट अच्छा करके जाता हूँ मैं। यार सोचो, पहली बार मैं विलेजर के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ मैं यहीं पर सो जाता हूँ, क्योंकि यार रात को खतरा होता है इधर भाई, विच वगैरह घूमते रहते हैं। विच छोड़ो यार, विच तो छोटी चीज है, यहाँ पर ऐसे ऐसे आइटम है ना, क्या बताओ। तो ये विलेजर ही मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो चुपचाप सो जाते हैं। और भाई इन गरीबों ने बेड देखे नहीं कि आ जाते हैं, तो छोड़ो यार मैं अपना बेड लेकर चलता हूँ और यहाँ से निकलते हैं। और मैं एडवेंचर पर निकला हूँ, तो एक काम करते हैं, स्कूबा गियर को छोड़ते हैं और डायमंड की चीजें बनाते हैं। भाई खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और इतने डायमंड में तो मेरा पूरा आर्मर भी बन जाएगा आराम से। ये बन गया हेलमेट, और ये लास्ट बन गया हमारा लेगिंग्स। अभी भी 16 बचे हुए मेरे पास में। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़े स्टिक्स बनाते हैं पहले, और उसके बाद एक पिकेक्स और एक एक्स बना लेता हूँ। वैसे पिकेक्स से कोई भी काम नहीं है, तो एक एक्स बना लेते हैं, ये ज्यादा काम आ रहा है हमारे। यार स्कूबा गियर को हटाते हैं अभी के लिए, क्योंकि स्कूबा गियर तभी काम आएगा जब मेरे पास में हेलमेट रहेगा इसका। तो मुझे लगता है हेलमेट आसपास मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टाइप के स्कूबा गियर्स होते हैं, और मेरे पास लगता है बहुत अच्छा वाला मिला है मुझे। और मैं नेक्स्ट टाइप की बोट तभी बना सकता हूँ जब मैं अपने बेस पर वापस पहुंचूंगा। और अच्छे भले विलेजर के पास से निकलते और चलते भाई कहीं और पर, क्योंकि मुझे अपने कोऑर्डिनेट याद है, तो मैं भटकूंगा नहीं ओशन में। और ये क्या था, पानी का वेव। और एक सेकंड, मैंने अभी नोटिस किया समुद्र पूरा शांत हो चुका है। ये देखो तुम लोगों को दिख रहा होगा भाई, क्या गजब हो चुका है। अभी आराम से मैं स्पीड में निकल सकता हूँ। और वैसे भी तुम लोगों को पता है, ये बोट में मैं तोप लगा सकता हूँ, पूरे पायरेट शिप वाले काम कर सकता हूँ। और ये देखो ये वेव क्या बन रहे हैं, नीचे पक्का कोई मॉन्स्टर होगा। यार पिछले एक घंटे चले जा रहा हूँ, लेकिन एक सेकंड भाई सामने दो चीजें दिख रही है मुझे, एक शिप है और यहाँ पर एक जमीन है। यार ये क्या है, पहले जमीन में चलते हैं ना, पहली बार मुझे कुछ खतरनाक दिखा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, ये तो पूरा आइस का है। और वो क्या है, ऊपर तो माउंट एवरेस्ट बना हुआ है उसके, वो सब क्या था। राफ्ट को स्लो करना बहुत जरूरी है। और एक मिनट स्पाई ग्लास से चेक करता हूँ, और ये कौन से टाइप का स्नो है, थोड़ा उतरता हूँ साइड होता हूँ। वो तो अच्छा है, बोट बहुत ज्यादा बड़ी है मेरी। और एक मिनट, ये कौन सा शिप है यार, ग्रे कलर का बैनर है इनका, लेकिन गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्योंकि उस तरफ भी एक शिप है और इधर भी। ये स्नो गिरेगा ना तो ये लोग मर जाएंगे। तो एक काम करता हूँ, उनको थोड़ा बचा के आता हूँ मैं। वैसे बचाना क्या, थोड़ी बात बात करता हूँ कौन लोग है, लेकिन हर जगह पर खतरा होता है ना, तो थोड़ा साइड में रोकूंगा मैं इसको। और यहाँ पर अपनी शिप को रोक देते और उतरता हूँ पहले मैं। ओके साइड में तो आ गया। और ये भाई बहुत खतरनाक बर्फ होती है, और कहीं गिरना चाहूँ मैं थोड़ा देख कर जाना पड़ेगा। एक तरीके से डिटेक्टिव बन रहा हूँ मैं, देखना पड़ेगा ना किसका, क्योंकि मुझे अभी मालूम चला अच्छे लोग भी बचे हुए यहाँ पर, वो विलेजर्स वगैरह। भाई अगर गोलम वगैरह मिल जाए ना, तो प्रोटेक्शन के लिए घर ले जाऊंगा उनको। ये बर्फ तोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि कौन पहाड़ में चढ़ेगा अभी। ओके आ चुका हूँ मैं ऊपर, अब थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है मुझे बस। अरे बर्फ कितना ज्यादा है यार यहाँ पर, थोड़ा साइड से निकलना पड़ेगा, रुक जाओ भाई पानी में ना गिर जाओ। और एक सेकंड, इस तरफ ऊपर चढ़ते हैं। और आखिरकार ऊपर पहुंच गया मैं, लेकिन एक सेकंड आवाज आ रही है। अबे भाई ये कौन सा जानवर है, ये क्या मेरे तरफ आ रहा है, रुक जाओ इसको मारना पड़ेगा। रुक भाई कुछ खा लेता हूँ पहले पर। अरे भाई ऊपर आ रहा है ये, रुक जाओ यहाँ से हिट मारता हूँ। और एक मिनट, कितनी हार्ट बची है इसके पास। ओके मर गया ये, भाई क्या था ये, वो तो अच्छा हुआ सर पे वार किया इसके मैंने, और मर गया भाई, जानवर का बच्चा है। और ये फिन, इससे क्या होता है। एक काम करता हूँ, इसको पहले इन्वेंटरी में रख लेता हूँ मैं, और ऊपर की तरफ फिर से चढ़ना पड़ेगा यार मुझे। और ये शिप कितनी गंदी फंसी हुई है इस तरफ, एक मिनट लगता है पिलेजर तो नहीं है शिप पे। पिलेजर और विलेजर की आवाज सेम होती है भाई, हो सकता है बेचारे को सर्दी हो गई हो, जो चेक करता हूँ यहाँ से। और एक मिनट भाई कोई दिख क्यों नहीं रहा, आवाज आ रही है। एक सेकंड, इस कोने में कोई है भाई, वो रहा एक पिलेजर, ये तो पिलेजर की शिप है। जो इसको बंद करते पहले, और थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, तो ब्लॉक लगा के ऊपर चलते पहले। और ऊपर आ चुका हूँ मैं, और ये तो सच में पिलेजर का शिप है, और ये एक पिलेजर रहा। अगर इसको मालूम चल गया ना, तो सब लोग आ जाएंगे, इसको मारना ही पड़ेगा। रुक जा भाई जल्दी, मर जा इधर। अरे ये मार क्यों रहा है, अरे भाई रुक जाओ, नीचे नहीं उतर सकता हूँ मैं, नीचे उतरूंगा तो भाई फंस जाऊंगा। यार मुझे लगता है यहाँ से निकलना चाहिए मुझे थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर वापस आऊंगा, टेंशन मतलब है। और वो रहा एक और पिलेजर, भाई पागल बनाया तो। और रात भी हो चुकी है, और मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे पिलेजर्स है, तो जितना लूट हो सकता है ना उसको लूट के चलते हैं। पहले तो नीचे उतरना पड़ेगा मुझे, नीचे कुछ लूट दिख रही थी। और ये रहा भाई वो जगह, और यहाँ पर अरे ये कहाँ से आ गया, इसको इजिली मार लूंगा मैं।
और जल्दी मर जाए, विंडिकेटर ना आ जाए बस। ओके ये तो मर गया, इसको चेक करते। और एक सेकंड, स्कूबा हेलमेट, क्या बात है, स्मिटिंग टेम्पलेट, और ये क्या एंचेंटेड बुक, ये भी ले लेते, पेपर नहीं चाहिए मुझे। और एक सेकंड, किताब भी थी, किताब पढ़ेंगे ना इनकी। मैं सोच रहा हूँ निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि बाद में आऊंगा ना मैं फ्लिक के साथ और राहुल के साथ, और राहुल को ढूंढना ही बचा हुआ है। और यार रात भी हो चुकी है और मेरा बोट उस तरफ है, पहले इनको मारता हूं। भाई इन लोगों का राज दिख रहा है मुझे समुद्र में, लेकिन इनसे भी खतरनाक लोग है। और एक सेकंड, इसको असर क्यों नहीं हुआ कुछ, यार ये लोग पता नहीं इम्यून हो चुके इसके। लेकिन कोई बात नहीं, मैं निकलता हूँ पहले। अब पहले चलते अपने बेस में और इनकी किताब वगैरह भी पढ़ते हैं, और उसके बाद लेवल 2 का बोट बनाएंगे और देखना क्या खतरनाक होने वाला है बोट। और यार अभी अभी सुबह हुई है और मैं सोच रहा हूँ ये वाले बोट को लूटने की, लेकिन ये प्रॉब्लम, ये देखो कितने पागल लोग है, सीधा खुद जा रहे हैं लोग। तो मुझे लगता है यार आराम से मैं बोट को लूट पाऊंगा, क्योंकि बहुत लूट होती है ऐसी बोट में। और ऐसा तो नहीं कि ये बोट उन्हीं को बचाने के लिए गई है। और भाई ये कौन है नीचे पानी के? ओ भाई एक मिनट, थोड़ा सोच के जाना पड़ेगा। और यहाँ पर रोकते पहले बोट को। और ये पागल मार क्यों रहा है मुझे, ये क्या बोट में बैठ गया मेरे, ये पागल तो मुझे मार देगा, रुक जाओ इसको मारना पड़ेगा। और कोई है? ओके ऊपर एक है, लेकिन उसने देखा नहीं है मुझे अभी तक। ये तो सच में पागल होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इनकी बोट को लूट के रहूंगा अब मैं। हर शिप से कुछ ना कुछ काम का मिलता है, तो यहाँ से मिलेगा। एक काम करते हैं, इसको तोड़ते हैं। और इनका लूट हमेशा इस तरफ रहता है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले हम लोग ब्लॉक निकालते अच्छे वाले। या सच में कुछ ज्यादा ही खतरा है, यहाँ पर एक लैंटर्न मिल गया, ये अच्छी बात है। और यहाँ से तोड़ के निकलते हैं। और एक सेकंड, ये आ गया मैं इनके शिप के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पर लूट मार नहीं कर सकता। और ये दिखा चेस्ट, अरे यहाँ पर तो गोल्ड है सिर्फ। और ये कौन सा पोशन है? फ्लैश पोशन ऑफ हार्मिंग, इनके ऊपर ही फेंक के जाऊंगा मैं। रुक जाओ यहाँ पर क्या मिलता है वो देखते हैं। भाई टोटम है इधर, ये लोग टोटम भाई सच में लुटे रहे। और शिप के अंदर जाना चाहिए मुझे, यार चल के देखते क्या मिलता है। टोटम तो है मेरे पास, लेकिन टोटम को वेस्ट नहीं करना चाहता हूं मैं। और ये क्या है, ये भी कुछ फालतू है। और यहाँ से इनकी शिप टूटी हुई है, ये क्या था? और कितने सारे बेड है भाई, एक मिनट, बेड से अंदाजा होता है कितने लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ से निकलना चाहिए मुझे, ऊपर की तरफ और भी लोग होंगे। यार जल्दी से निकलता हूं यहाँ से, भाई पागल लोग है पूरे। प्रॉब्लम ये है ना, मैंने यहाँ पर एक विंडिकेटर को देखा था, तो और भी ज्यादा खतरा होता है। तो यार राफ्ट में वापस आते समय मुझे रास्ते मिल गए थे कुछ डर्ट जैसे पड़े हुए थे, वो तो अच्छा। इस बार मेरे पास बोट है तो उठा सकता हूं इजीली मैं। और भी बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी उठाऊंगा नहीं मैं। और पता नहीं एमरल्ड क्यों गिरा हुआ रहता है वहां पर, कोई तो अमीर आदमी डूब के मर गया होगा शायद, इसलिए एमरल्ड इतने। और मैं अभी बहुत सारा अपना शिप कंप्लीट कर सकता हूं। और मैंने एक छोटी सी गलती कर दिया, मुझे ये वाला लेयर को भी डर्ट का बनाना पड़ेगा अब, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा उठा हुआ दिखेगा तो आइलैंड नॉर्मल नहीं दिखेगा हमारा। तो यार पिछले 3 दिन से मेहनत कर रहा था, ये फालतू काम तो दिखाना भी नहीं चाहता था तुम लोगों को। मैंने पूरे के पूरे स्प्रूस को चेंज कर दिया और अब बना दिया मैंने डर्ट में। अब बारी है लगाने की इसको, तो वो देखो उस साइड से मैं थोड़ा बहुत कंप्लीट कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई लग जाता इस बोर काम में वापस से, क्योंकि ये तो लग जाएगा। लेकिन एक सेकंड, मैंने अभी सोचा इतने दिन बीत चुके लेकिन फ्लिक क्यों नहीं आया अभी तक। यार ऐसे हमारे आइलैंड का काम नहीं चलेगा, आइलैंड को कंप्लीट करना है और इसमें 2-3 घर भी बनाने हैं। एक मेरा रहेगा, एक विलेजर्स का रहेगा, और फ्लिक राहुल के लिए भी एक बना दूंगा अगर वो जिंदा बच गए तो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे चेक करना था, पहले मैं डॉट को अपने खत्म किया, अब जाके मैं चेक कर पाऊंगा कि हमारा स्कूबा गियर काम कर रहा है कि नहीं। वैसे काम तो करना चाहिए, तो एक काम करते पहले इसको पहन लेते हैं हम लोग। और ये लग गया बूट्स, ये लेगिंग्स, ये हमारा चेस्ट प्लेट, और सबसे इंपॉर्टेंट हेलमेट। ओके ये लग चुका है। और क्या लग रहा हूं यार मैं, और टोटम भी पकड़ लेते अपने हाथ में। और सारा कचरा इसे फेंको यार पहले, और अब चल के देखते पानी के अंदर। वैसे डैमेज पहुंचेगा मैं तुम लोग को दिखाता हूं। पहले एक काम करता हूं, मैंने बूट्स को हटा दिया, और अब देखो भाई क्या डैमेज पहुंच रहा है। रुक जाओ, ओ भाई खतरनाक डैमेज है। और एक काम करो, टोटम भी पकड़ लेते हैं हाथ में, और अब मैंने पूरा सेट पहन लिया हूं, और अब शायद मैं पानी के अंदर आराम से जा सकता हूं। और एक काम करते पानी के अंदर चलते पहले। और एक सेकंड, कुछ भी नहीं हो रहा। और एक मिनट, और पानी के अंदर इतना डार्क क्यों है यार इधर? और पूरा रात इंतजार किया मैंने इस टाइम को। और एक सेकंड, वो क्रीपर क्या कर रहा है? एक मिनट यार, मुझे पानी इतना क्लियर क्यों दिख रहा है यार? इसने मुझे बहुत सारे इफेक्ट दे दिए शायद। और वो पहले क्रीपर को मार के आते हैं और देखते हैं आर्मर में दम है भी कि नहीं। और ये कैसे आ रहा है भाई, ये कौन सा क्रीपर है? भाई फटना मत भाई, ये क्रीपर इतना अजीब क्यों था ये समझ में नहीं आया मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, और वो एरिया की उतनी जरूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं पहले पानी के अंदर, और एक काम करते नीचे चलते हैं। और एक सेकंड भाई, पानी कितना ज्यादा क्लियर दिख रहा है इसमें। यार अब तो गेम बहुत ज्यादा इजी हो चुका है, अब मैं सारे बॉस को मार पाऊंगा। और ये क्या है भाई, एक सेकंड, क्या सही चीज देखा मैंने अभी? ये देखो भाई क्या खतरनाक काम कर रहा है, और पानी के ऊपर धक्का दे दिया मुझे, ये क्या था? चलो कोई बात नहीं, मुझे कुछ हो नहीं रहा। और जेलीफिश है उधर, जेलीफिश मारेगी नहीं ना, इसको मार के देखते एक बार। ओके भाई भाग जाए इधर से, ये जेलीफिश इधर क्यों आ रही है? छोड़ो यार पागल जेलीफिश है। मैं देखता हूं पानी के अंदर क्या क्या हमारे बेस के आसपास, क्योंकि जानना जरूरी है। और ये देखो, ये मिल गया ना काम की चीज, खतरनाक चीज आ गई है मेरे पास अब। और देखते चेस्ट के अंदर क्या, यहाँ पर डायमंड मिल चुका है जिसकी जरूरत नहीं है, फिर भी ले लेते कोई बात नहीं। और मुझे कोई बड़े स्ट्रक्चर चाहिए यार, फालतू चीज नहीं चाहिए अब। और एक सेकंड, मुझे अभी याद आया, पानी के अंदर भी तो हमें ग्रास मिलता है, तो इसको मैं खोद सकता हूँ आराम से। और यार तुम लोग देखना, डे 50 तक आते आते मैं यहाँ पे कॉन्डक्ट भी बनाऊंगा एक, जो हार्ट ऑफ द सी से बनता है। और ये क्या है भाई, ये कौन से फिजिक्स है इनके? तो कोई बात नहीं, यहाँ से निकलते हैं और बेस के आसपास ही हम लोग देखते हैं, क्योंकि ऊपर ही हमारा बेस है अभी। तो एक काम करते, एक बड़ा बोट बनाते हैं पहले। तो ये रहा हमारा बोट, इसको पहले हमें ऐसे रखना है, थोड़ा सा मुश्किल रेसिपी है, लेकिन ये वाला बन जाएगा तो और बड़ा बोट बन जाएगा। तो एक बार मुझे भी ट्राई करना कैसा बनता है। यहाँ पर रख देते हम लोग 2 चेस्ट, और ये बन गया हमारा ओक गैली, ये और भी बड़ा बोट है। हम कंपेरिजन के लिए इसको इसके बाजू में लगाते हैं। और ये देखो, ये वाले बोट में कोई चप्पू भी नहीं था। और ये देखो, इसमें 8-8 है भाई, बहुत ज्यादा बड़ा बोट है। मैं तुम लोग कहा था ना, वैसे इससे बड़े 2 बोट और है, लेकिन हम लोग वो बाद में बनाएंगे, पहले ये तो बना लेता हूँ मैं। तो इसमें बैठते, और इसमें बैठना बहुत मुश्किल है, और एक बंदा चला भी नहीं सकता अच्छे से। तो पहुंच गए ये वाले शिप में वापस से।
में और यहाँ पर देखो तबाही करने आ गया हूँ मैं और सब तैयारी के साथ आया इस बार तो भाई बहुत मारूंगा लोगों को और बोट को हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं। भाग नहीं जाएगी ना बोट, ये नई नई बोट है मुझे चलानी नहीं आती है। और ये बोट को देखो और ये शिप को देखो क्या बड़ा साइज है इसका, जल्दी चलते इस तरफ और देखते क्या भाई उसके अंदर लूट वगैरह। यार वो रहा एक विंडिकेटर तो मैं सोच रहा हूँ चुपके से जाता हूँ इसको मारता हूँ और कोई नहीं आजू बाजू में, शायद ये लोग सो रहे और भाई इसका डैमेज बड़ा खतरनाक होता है लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा आज मेरा ये एक हिट खत्म। और भाई मरता क्यों नहीं जानवर, ओके ये तो मर गया। अब एक काम करता थोड़ा कैरेट वैरेट खाता और देखता हूँ क्या यहाँ पर। ओ भाई नीचे कितने सारे, अरे आराम से भाई यहाँ से हिट कर सकता हूँ मैं इनको। ओके एक एक करके यहाँ से मारते ना भाई, ये तो बैड ओमन लगाएगा मुझे लेकिन कोई बात नहीं विलेजर नहीं है यहाँ पर कोई। ओके एक तो मर गया और एक दो और बचे हुए नीचे जाने वाला होने में, यही से मारता हूँ इनको लेकिन कितनों को मारूंगा। एक काम करते यहाँ से चुपके से अटैक करते हैं। बचाओ भाई बचाओ। अबे राहुल तू क्या कर रहा है यहाँ पर? अरे भाई एक मिनट डैश, तू यहाँ पे कहाँ से यार? मैं कहाँ से मतलब? अरे बचा ले भाई। यार ये दोनों को मैंने मार दिया राहुल यार, और कहाँ पर है बता मुझे। और ये एक रहा इसको मार दो पहले मैं, और जल्दी मर यार। ओके भाई ये भी मर गया, क्या बात है, तुझे आजाद कर दो पहले मैं। अरे खोल भाई खोल यार, यहाँ पे शायद मैं पिछले एक साल से हूँ। एक साल से क्या बात है भाई, बाहर आ गया। ओ भाई क्या बात है, फ्रेश एयर यार। और फ्लिक तुझे बचा नहीं है कैसे? अरे कौन यार फ्लिक? अरे भाई वो तो भाग गया यार। भाग गया? अरे भाई ये क्या हुआ भाई, समझ में नहीं आ रहा। फ्लिक तो बचाने आया था तुझे, हम लोग मिलके आइलैंड बनाने वाले थे लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई। और इसमें देखते क्या, ओ भाई क्या क्या है राहुल, जल्दी लूट ले। ओ बॉम्ब है यहाँ पर तो, यार यहाँ पे खाने का आइटम है यार बहुत सारे। मुझे लगा बॉम्ब है भाई, पायरेट पाउच है, इसमें कुछ तो सामान मिलता है काम का। ओके ये देखो ये सब मिला यार फालतू, पता नहीं सब कुछ लूट के चलते यार। और हथियार वगैरह सब ले ले राहुल तू, यार ये विलेजर को भी आजाद कर देता भाई, कब से यार ये लोग तो यहाँ पर। और एक सेकंड यहाँ के चेस्ट चेक कर लेता हूँ मैं। अरे भाई ये क्या हो रहा है, एक मिनट। ओके हार्ट ऑफ द सी इधर, क्या बात है, जो चाहिए था मिल चुका है मुझे। यार मुझे लगा था टाइम लगेगा इसको मिलने में। और यहाँ पर कुछ तो डैगर है और अटैक डैमेज 4 है, और तू रख ले इसको। और क्या यहाँ पर, और देखा भी मुझे यहाँ पे एक अच्छा सा आर्मर भी मिल चुका है यार। और चलते ना भाई इसके टॉप वाले फ्लोर में। टॉप फ्लोर में कुछ नहीं है, मैंने सब लूट लिया, जो हार्ट ऑफ द सी मेन था वो मिल चुका है हमें। जल्दी निकलते यहाँ से इधर आ। और विलेजर का शिप हो चुका है क्या, अभी ये लोग घंटी बजा रहे हैं। और एक सेकंड यहाँ पे रेड चालू हो चुकी है, मैं तो बोलता हूँ निकल लेते, आ जाए जल्दी मेरे पीछे। बाहर में ये क्या है भाई, वाइट वाइट। यार जल्दी आ जा राहुल, वो देख ये रहा मेरा बोट भाई, मैंने बनाया इतनी बड़ी मुश्किल से इसको, और हार्ट ऑफ द ओशन ही मिल चुका है मुझे। और भाई ये क्या पानी में क्यों जा रहा हो, आ जा जल्दी बैठ जा। यार भाई ये बोट तो अच्छी बहुत है, काम कर दो बैठता हूँ। और भाई देखो यहाँ पे क्या लाइट्स है यार भाई, लेकिन इस वाली बोट में तो 8-10 लोग बैठ सकते हैं यार। लेकिन पहले आइलैंड पर चलते हैं और हमें बिल्ड वगैरह भी बनाना है। और फ्लिक तो भाग गया लेकिन उसको बचाना यार, पता नहीं कुछ और रीजन से भी हो सकता है भागा हो वो। यार भाई रुको एक मिनट, सामने में कुछ तो है। अरे सामने मेरा आइलैंड है यार, वही तो मेरा आइलैंड है। और हम लोग यहाँ पर डॉक यार्ड पे उतरेंगे। ठोक रहा हूँ मैं, अरे ठोक नहीं रहा हूँ यार, ऐसे उतरते तो। यार मैं तुझे यहाँ पर लाया हूँ फ्लिक को बचाने जाना है हमें क्योंकि। और एक मिनट अभी मुझे बचाने, क्या बोल रहे हो तुम लोग यार, मुझे किससे बचाओगे यार, मैं तो बहुत पहले से इधर था, तू किधर था ये बता। और यार देख इसने ना भाई मुझे देख के भाग गया था ये, यार भाई इसने मेरी हेल्प ही नहीं किया यार। वो तो बस ऐसे ही हुआ था, तुझे देख के नहीं भागा था, मैं तुझे देखा ही नहीं था यार गलती से। मुझे लगा था कि भाई डैश जो है ना उससे मैं मदद लूंगा, लेकिन डैश भी इधर से गायब हो चुका था। अरे मैं गया था तुझे और राहुल को बचाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं तुम दोनों बच चुके हो। तो यार मेरा एक टास्क तो कंप्लीट हो चुका है, अब और दो टास्क कंप्लीट करना है भाई, दो बॉस को मारना है हमें। तो एक बात बताओ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा आइलैंड है, दो छोटे आइलैंड पर मैंने गरीबों को तो मार दिया था, वो गोरिल्ला का आइलैंड था, वो काम का नहीं था। और एक तो भाई भूत घूम रहे थे उनको मार दिया, लेकिन मैंने सुना बहुत बड़ा आइलैंड है और एक बहुत बड़ी अंडर वाटर सिटी, एक ही सीन देखा है यार मैंने वो आइलैंड तो देखा है वैसे। अरे मैंने अंडर वाटर सिटी देखा हुआ है भाई, उसका नाम है अटलांटिस। अरे बाप रे भाई, मैंने सुना कोई तो खतरनाक बॉसेस रहते उधर, तो हमें जाके सबको हराना है। तो एक काम करो सब लोग रेडी हो जाओ, लेकिन पहले हम लोग अपने आइलैंड को बड़ा करेंगे। तो मुझे बस इतना बता देना फ्लिक, तेरा डर्ट तो है ना? यार डर्ट मेरे पास बहुत है, चल यार जल्दी से काम चालू करते हैं हम लोग। यार काम चालू तो करना शुरू कर देते, अभी आइलैंड को हमको बहुत ज्यादा सुंदर बनाना है। तो आ जाओ यार डर्ट लगाना चालू कर फ्लिक तू। यार मैं तो लगा भी रहा हूँ, तुम लोग काम करो। तब तक एक काम करता हूँ, रास्ते बना देता हूँ मैं। और मैं सोच रहा हूँ रास्ते बनाता हूँ मैं वुड वगैरह से, वो ज्यादा अच्छा लगेगा यार। लेकिन यहाँ पे हम लोग बिल्ड क्या करने वाले हैं? हम लोग यहाँ पर खुद के लिए छोटे छोटे घर बनाने वाले हैं और उसके बाद हम लोग बॉस को मारेंगे। तो पहले घर बनाओ अच्छे से, ये आइलैंड को डेकोरेट भी करना है, मेरा टास्क है वो। तो एक काम करते हैं, हमने फ्लैट तो कर दिए इस आइलैंड को, अब यहाँ पर मैं पहला घर बनाने वाला हूँ। तो पहला घर हम लोग एकदम सिंपल सा बनाएंगे, वैसे सारे घर सिंपल होने वाले हैं, यहाँ पर मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला हूँ, बस कुछ ही दिन का चैलेंज है ना ये। और ये राहुल थोड़ा हेल्प कर यार मेरी, पता नहीं अकेले बनाया जा रहा हूँ मैं। यार लेकिन भाई देख मैं तो यहाँ पे अभी फ्लोर का काम कर रहा हूँ। और वो देखो भाई तुमको भी उधर दिख रहा है कुछ पानी के अंदर, ये क्या है भाई? पानी इतना गंदा टॉक्सिक है, कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, तुझे क्या दिखा ऐसा? यार मुझे दिखा कुछ यार, बहुत बड़ी सी जलपरी आई थी शायद, रुक जाए काम करता हूँ मैं देख के आता हूँ। यार इतना बड़ा स्कूबा मेरे पास, ये कब काम आएगा? अरे राहुल तेरे पास भी ये वाला स्कूबा डाइविंग गियर है क्या भाई? बहुत ज्यादा रेयर होता है, पता नहीं किस्मत अच्छी है तुम्हारी। और क्या भाई, यार तू काम कर, तो देख क्या तू ये कहाँ पे फ्लिक? अरे भाग भाग, अरे क्या हुआ मेरे पीछे, बहुत बड़ी मछली आ रही है, भागो। अरे भाई क्या हुआ, मछली आ रही, शार्क ही होगा ना बस। अरे शार्क नहीं भाई, शार्क का बाप आ रहा है। एक सेकंड, पानी मुझे हलचल दिख तो रहा है, अरे वो क्या उस तरफ, रुक जाओ देखना पड़ेगा अच्छे से। रुक जाओ मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ। ये क्या है, अबे शूट ये क्या दिख लिया मैंने, बचाओ भाई ये सच में कुछ ज्यादा बड़ा यार, भागो मेरी हेल्प करो, ऊपर नहीं आ पाएगी। अरे तू अंदर क्यों घुस गया भाई? भाई हमने आइलैंड ऐसा बनाया, अबे मेरे पीछे पड़ा है, मारो यार उसे। ये क्या आ गया, ये तो बॉस है जिसको मारना था। अरे मेरे पीछे पड़ चुका है, ये इतनी बड़ी मछली, अबे भाई रुक जाओ भागना पड़ेगा।
अबे ये पागल हो चुका है, अबे बचाओ यार। अरे बचाएंगे कैसे, लेकिन तुझे ऊपर आ जाना। अरे ऊपर आने का ट्राई कर रहा हूँ यार, तुम लोग ब्लॉक लगाओ पहले। अरे भाई तू है किस साइड में, लेकिन भाई मैं आइलैंड के नीचे घूम रहा हूँ, भाई शायद जिंदा बच जाओ। भाई बहुत गंदा डैमेज दे रहा है इसको, मैं भी डैमेज देता हूँ, रुक जाओ। बस यहाँ पर पहुंचना है मुझे और बच गया मैं। ओ भाई क्या है ये आइलैंड जी, इतनी बड़ी मछली, मतलब उतनी तो बड़ी नहीं है पर क्या है। एक काम करो यार, तीनों आ जाओ एक साथ अटैक करते हैं। रुक जा यार, यहाँ से मैं नीचे ही घुसता हूँ भाई, रुक जा। रुक जाओ, मैं भी जा रहा हूँ अब नीचे, अब सीधा अटैक करता हूँ। टोटम भी है, डरना किस बात का। और इसको पेलते जल्दी, रुक जाओ, एक दो हिट और मार दो, जल्दी आओ यार। अरे मैं अभी यहाँ पे लेके आ चुका हूँ भाई, एक एकदम खतरनाक वाली शॉट। अरे मारो जल्दी मारो, मारने वाली। अरे भाई मार दिए, अरे मार दो मैंने, लेकिन अरे भाई कौन सा कंपटीशन चल रहा है, तू जीत गया। और आखिरकार हम लोग बच गए यार, ये क्या था खतरनाक। पहले निकलता हूँ यहाँ से, और कुछ कुछ अच्छे आइटम भी मिले मुझे, और रात भी हो चुकी है। तो एक काम करते, कल हम लोग चालू करते बेस को बनाने का अच्छा काम, और हमें 5-6 दिन लग जाएंगे। और एक बॉस को तो हमने हरा दिया जिसकी जरूरत थी, और ये देखो हमें एमेथिस्ट मिल चुका है इससे, और इसको मैं थोड़ा स्ट्रिप कर देता हूँ। और हमारा पहला घर लगभग कंप्लीट हो चुका है, और मैंने कहा था तुम लोगों को थोड़ा सा मैं अलग वाइब दूंगा, भाई गोवा वाली वाइब आ रही है इस वाले घरों में। तो एक काम करते, इसको भी कंप्लीट करते पहले। और ये दीवार थोड़ी अलग नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास वुड की कमी नहीं है तो मैं लगा दूंगा आराम से। और राहुल उस तरह डॉकयार्ड बना रहा है, और सबसे खतरनाक फ्लिक ने अच्छा काम किया, ये देखो यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा होगा ग्रास लगा दिया इसने, तो ग्रास धीरे धीरे फैलेगा और अगले 1-2 दिन में ये ग्रास पूरा फैल जाएगा और हमारा आइलैंड पूरा शेप में आ जाएगा भाई, खतरनाक एकदम। और तब तक मैं काम करता हूँ, एक बड़ा घर बनाता हूँ यहाँ पर, थोड़ा बड़ा घर तो बनाना बनता है ना। तो यार हमारा आधे से ज्यादा काम हो चुका है, और ये देखो डॉकयार्ड राहुल ने बना दिया यहाँ पर। और यार ये देखो हमारा आइलैंड का काम हो चुका है पूरा, थोड़ा सा अजीब आइलैंड बनाया हम लोगों ने, टाइम नहीं है ना क्योंकि। और ये देखो डॉकयार्ड राहुल ने बनाया पूरा, और सही लग रहा है यार एकदम, गजब बनाया एकदम। तो एक काम करो भाई, अभी तुम लोग कमेंट में जाओ और भाई इसको रेट करो, बहुत ज्यादा मेहनत लगी इसमें। अरे बहुत ज्यादा मेहनत लगी लगता है इसकी, अभी हम लोग इसमें फिनिशिंग टच देंगे। लेकिन तब तक तुम लोग देखो ये बड़ा वाला घर बना दिया हम लोगों ने, और ये हमारे आइलैंड का मेन घर है, तो थोड़ा बहुत लैंटर्न वगैरह बनता है ना यहाँ पर, कुछ ज्यादा अंधेरा इधर, तो इधर मैं लैंटर्न लगा देता हूँ पहले, और चारों कोनों में 4 लैंटर्न, तो भाई उजाला हो जाएगा पूरा, और मुझे लगता है सही रहेगा। अभी के लिए हम लोग इसको ऐसे छोड़ते हैं, थोड़ा बहुत बोन मील इधर मार देता हूँ मैं, और ये देखो परफेक्ट रहेगा इतना। यार तुम लोग भी बनाओ यार कुछ अच्छा सा, आइलैंड अच्छा दिखना चाहिए हमारा। यार आइलैंड वैसे ही बहुत अच्छा दिख रहा है यार, अभी मैं तो बोलता हूँ जल्दी से बोर्ड बना के चलते हैं यार। अरे हाँ यार, बॉस को मारना है हमें, और आइलैंड को भी होल्ड पर डालते हैं क्योंकि हमारे 48 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और हमें 50 दिन के पहले कंप्लीट करना है यार वो बॉस को मारने का मिशन। तो काम करते सारी तैयारी कर, तो फालतू सामान पूरा फेंक देता हूँ मैं। तो हम तीनों बैठ चुके बोट में, और भाई कोई और ऑपरेट क्यों कर रहा है भाई, मुझे चलाने दो बस। भाई ये शार्क को तो मौत दूंगा मैं आने के बाद, और फिर से डैमेज ले रहा है ये। भाई ये शार्क तो पागल लगता है मुझे, और फिर हमारे पीछे आएगा देखो कुछ देर के लिए। लेकिन हमें अभी मारना है मेन बॉस को, वो है ईल बॉस, मुझे अभी मालूम चला है। यार फ्लिक हम लोग लोकेशन में आ चुके हैं, वो कहाँ पर है फाइनल बॉस, ईल बॉस। अरे ये देख भाई यहाँ पे लहर कितनी ज्यादा है, शायद इसके नीचे में ही है, मैं तो बोलता हूँ नीचे चलते हैं, आ जाओ। और एक सेकंड, नीचे कुछ है, नीचे पानी में। अरे कहाँ पे लेकिन। और ये देखो तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, ये जो आगे हमारी सिटी है ना, मुझे पता है तुमको अच्छे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आगे हमारी अटलांटिक सिटी है, और वो अटलांटिक सिटी को गार्ड करता है ईल बॉस। एक सेकंड, ये सामने हमारे, यार इसको मारना पड़ेगा, जल्दी आ जाओ। यार ये सो रहा है क्या, इसके बाजू से निकलता हूँ मैं और इसको पकड़ते, रुक जाओ इसको मारता हूँ मैं। अरे इसकी बॉडी वॉडी का, लेकिन ये क्या है, तो इसकी मुंडी है। अरे बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन इसकी बॉडी पानी के अंदर होती है। और मारो इसको यार, गुड मार। ओ भाई ये खोल गया, अरे अबे ये क्या, अरे भागो, चिल्ला रहा है ये, तो क्या है राक्षस भाई। अरे भाई इसके दांत तो देखो यार, मुझे लगता है ये बेचारा सो रहा है, अभी नशे में दिख रहा है। अरे भाई काटा इसने, और मारता हूं इसको मैं इधर से, और भाई डैमेज ना दे बस ये मुझे, रुक जाओ मेरे पास टोटम भी है, टेंशन वाली बात नहीं है भाई। ओ भाई खाएगा तुझे, थोड़ा दूर रहे यार, मैं तो बोलता हूँ यार बंदूक लाना चाहिए था। अबे यार ये क्या कर रहा है, भागो। अरे भाई ये क्या हो रहा है भाई, अपने मुंह के अंदर से फेंक क्या रहा है ये, यार ये मुझे तो मार ही नहीं पा रहा है एकदम। अबे ये क्या, फिर से वे फेंक रहा है ये, और इसको तो मारना पड़ेगा। और जो तीनों मिलके मारते इसको, इतिका उखाड़ मत, अरे मैं तो नॉन स्टॉप मार रहा हूं। अरे अटैक कर देता है भाई, इसको पता है कौन पावरफुल है, और भाई ये तो खा ही जाएगा। अरे यार ये मरने वाला है यार, इसकी डैमेज बहुत कम बाकी है भाई। डैमेज कम बचा है, हेल्थ कम बचा है यार इसका। अरे एक ही मतलब होता है यार, डैमेज देंगे तो हेल्थ ही कम होगा ना, जल्दी मारो। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ इसको मारने की, बहुत ज्यादा खतरनाक बॉस। अरे ये कुत्ते ऐसा क्यों काट रहा है, अबे फ्लिक क्यों काट रहा है वो, तू भाग वहां से। ये क्या था, रुक जा यार मारता हूँ मैं फिर भी इसके, यार ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा मेरा। लेकिन अरे यार पानी के ऊपर ही फेंक दिया। अरे जल्दी नीचे आ यार, साथ में मारना पड़ेगा, और ये मेरे ऊपर टारगेट कर रहा है फिर से। अरे ये देख पीछे ज़ॉम्बी उड़ते हुए आ रहा है किस तरीके से। अरे ज़ॉम्बी उड़ नहीं रहा है भाई, तैर रहा है पानी में। तो यार ये बहुत कम हार्ट का बच्चा, जल्दी मार रहा हूँ इसको। अरे हार्ट बाकी है भाई, तू हाथ से मारा उसको भाई, मरने वाला गया भाई, कट गए तो यार दांत अलग अलग हो गए इसके। अरे ये क्या था यार, और सामने हमारे महान अटलांटिक सिटी है यार, मुझे फिर से नाइट विजन मिल चुका है।
और ये तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, इधर लूट सकते हैं हम लोग खतरनाक। ये बहुत ज्यादा बड़ी सिटी है, ये देखो आगे तक फैली हुई सिटी है और यहाँ पर कोई भी नहीं है अभी, क्योंकि ये पानी के अंदर डूब चुका था ना। अब यहाँ पर खजाना मिलेगा हमें, लेकिन वो हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन आगे के मिशन हम लोग करेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि ये है 50 दिन। अगले पार्ट के लाइकिंग कम्प्लीट कर देना, क्योंकि अगले पार्ट में और भी बॉस को मारेंगे, क्योंकि मुझे अभी भी मालूम चला है कि इसके बाहर एक बहुत बड़ा आइलैंड है जो आइलैंड को हमें लूटना है। और वो देखो वहाँ पर रहते सबसे खतरनाक लुटेरे, तो उनको भी लूटेंगे और एटलांटिक सिटी को भी लूटेंगे। तो 50 डेज का चैलेंज मेरा पूरा होता है।